ओके गाइस, सो नाउ 60 मिनट्स में जितने भी 15 चैप्टर्स हैं सबका मैं थियोरी करवा रहा हूँ। आई होप आप लोग ने टेलीग्राम से ये मेरा जो थियोरी का पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लिया होगा। 60 मिनट्स में मैं इसलिए करवाने वाला हूँ फॉर अ सिंपल रीजन दैट आई वॉन्ट यू टू लिसन इट एटलीस्ट ट्वाइस। प्लस अगर आप लोग ये पीडीएफ को बराबर से फॉलो कर लोगे ना, देन मैंने इसमें पूरा आप लोग को इंडेक्सिंग के साथ दे दिया है। एग्जाम पे जाते 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 एक दो बार रिवाइज कर लेना कल तक, आज बराबर से एक बार सुन लेना, तो आप लोग को एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा थ्योरी में। और इसी के बेसिस पे अगर एमसीक्यूज भी आ गया देन इन दैट केस इट इज अ लॉटरी फॉर अस। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू बी एटलीस्ट एंश्योरिंग के 25-30 मार्क्स जो थ्योरी है वो अपने को पूरी की पूरी तरह मिल जाना चाहिए। जो नॉन कोर थ्योरी चैप्टर्स है वो भी मैंने लिया, इसके अंदर जितने भी अमेंडमेंट्स है वो भी मैंने सब के सब डाल दिया है। सो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यू जस्ट हैव टू फॉलो दीज 30 पेजेस। 1 घंटे के अंदर मैं पूरा का पूरा थ्योरी रिवाइज करवा दूंगा, ऑब्वियसली डिटेल में नहीं जाऊंगा, एंड दैट्स हाउ इट वर्क। प्लीज पीडीएफ ओपन रखना, सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर कर दो, 1 घंटा फोकस के साथ सुनो। इनफैक्ट आप तो स्पीड पे सुनोगे तो और अच्छी तरह से हो जाएगा थ्योरी का 30 मार्क्स का टेंशन दूर। बाकी आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, जरूर लाइक करना अगर आप लोग को ये पीडीएफ और ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। लेट स्टार्ट विद द सेशन। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सिक्योरिटाइजेशन, सो आप लोग प्लीज वो चैप्टर खोल लो सिक्योरिटाइजेशन, एंड योर वी गो, योर वी स्टार्ट। ओके, सो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सिक्योरिटाइजेशन के साथ। और वापस से बता दूं कि मैं 1% भी एक्सप्लेनेशन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, माय होल फोकस इज दैट आपके ये सारे वर्ड्स दिमाग में सेट हो जाए। कल तक आप लोग 2 बार रिवाइज कर लो ताकि एकदम क्विक फायर रिविजन करवा दूं, एंड अगर एमसीक्यू में आए या थियोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आए आप लोग इसके मेन मेन पॉइंट्स याद रख के उसको बराबर से अटेम्प्ट कर पाओ। दैट्स द होल इंटेंशन। फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है अपने को बताया, कैसे इलिक्विड एसेट्स जो बैंक के पास होते हैं, जो बैंक ने लोन दिया होता है तो लोन के जो पेपर्स है उसको लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, इन्वेस्टर्स को बॉन्ड्स को ट्रेंच करके इन्वेस्टर्स को सेल किया जाता है, पैसा रिक्रिएट करके वापस से लोन दिया जाता है। सो क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो जाता है, बंडलिंग एंड अनबंडलिंग इज डन, इट इज अ टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट बिकॉज आपके लिक्विड एसेट्स अब लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, अब आप और भी लोन दे सकते हो, ट्रेंचिंग किया जाता है, तो अब जितने भी मेरे पास लोन के पेपर्स है उनको सेग्रीगेट किया जाता है, ऑटोमोबाइल लोन्स, होम लोन्स, कंज्यूमर लोन्स, ऑल ऑफ दैट, एंड देन होमोजेनिटी मतलब जो सिमिलर लोन्स है वो सब साथ में रख के इन्वेस्टर्स को दिया जाता है। सो बेसिकली अगेन आई एम टेलिंग यू नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, ध्यान में अपने को क्या क्या रखना है। सो वी हैव टू कीप इन माइंड क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो फीचर्स है उसमें, बंडलिंग अनबंडलिंग टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट की तरह यूज कर सकते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, कैन बी यूज इन ट्रेंचिंग एंड हेल्प इन होमोजेनिटी। सेकेंड पॉइंट के ऊपर आता है विच इज बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। दो लोग है जिसको इसका बेनिफिट होता है, एक तो जो ओरिजिनेटर है जो रियल बैंक है जिसके पास इलिक्विड एसेट पड़ा है, और दूसरा है इन्वेस्टर, बिकॉज इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए एक अलग अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, तो ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग हो जाता है मेरा, विदाउट डूइंग एनीथिंग माय इलिक्विड एसेट्स आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एसेट्स। स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस, अब मैं मेरे मेन बिजनेस पे फोकस कर सकता हूं बिकॉज मेरा ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग हो चुका है जिससे मुझे फाइनेंस आ गया, और अब मैं एक्स्ट्रा लोन मार्केट में दे सकता हूं। सो मोर स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस हेल्प्स टू इंप्रूव फाइनेंशियल रेशियोज बिकॉज अब मैंने लोन भी दे दिया और एट द सेम टाइम मेरे बुक्स में रिफ्लेक्ट भी नहीं हुआ क्योंकि ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग हो गई है। एट द सेम टाइम रिड्यूसेस बोरोइंग कॉस्ट बिकॉज जो मैं इन्वेस्टर है उसको इंटरेस्ट दे रहा हूं और जो मैं लोन के ऊपर इंटरेस्ट ले रहा हूं, तो डिफरेंस मेरे को एज अ प्रॉफिट मिल जाएगा। देन सेकेंड इज फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर, उसको एक नया तरीका मिल गया इन्वेस्ट करने के लिए, सो देयर इज अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के हिसाब से ही इज प्रोटेक्टेड, एंड कोई भी डिफॉल्ट हुआ तो भी उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। कौन कौन मेरे पार्टिसिपेंट्स है सिक्योरिटाइजेशन में, तो सबसे प्राइमरी पार्टिसिपेंट है ओरिजिनेटर जो मेन बैंक है जिसने स्टार्टिंग का लोन दिया था ऑब्लाइजर को। ओके, सेकंड है स्पेशल पर्पस व्हीकल, तो यहाँ पे ये जो मेन बैंक है ओरिजिनेटर है, दिस विल गिव ऑल इट्स इलिक्विड एसेट्स टू द एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल, एंड देन स्पेशल पर्पस व्हीकल विल स्टार्ट द होल प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड द इन्वेस्टर्स, क्योंकि मेन अगर इन्वेस्टर्स से पैसा ही नहीं आएगा तो सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगा। सो दीज आर द 3 मेन प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स, एंड मेरे सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स में आता है ऑब्लाइजर्स जिसको ओरिजिनली लोन दिया है, रेटिंग एजेंसीज जो देखेंगे भाई लोन के पेपर्स बराबर है कि नहीं, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट हु विल मैनेज ऑल द पेमेंट प्रोसेसेस, एजेंट और ट्रस्टी, क्रेडिट एनहांसर, एंड देन फाइनली स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकर जो ये पूरा काम करवाता है। फिर बाद में मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, तो क्या इसका प्रोसेस होता है, तो पहले पूल ऑफ एसेट्स बनता है, जो भी मेरा पेपर्स है लोन का वो मेरा पूल ऑफ एसेट्स है, ट्रांसफर किया जाता है एसपीवी को, एसपीवी देखता है कि एसेट्स बराबर है कि नहीं,
ओरिजिनेटर, रिकोर्स टू ओरिजिनेटर, कि कोई भी इशू हुआ तो एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ दीज पेपर्स बिलोंग्स टू द ओरिजिनेटर, सेल ऑफ सिक्योरिटाइज्ड पेपर्स, और उसी से पैसा आएगा. तो ये जो सिक्योरिटाइज्ड पेपर्स है इसी को मैं एज अ मॉर्गेज रख के इन्वेस्टर से पैसा लेता हूं, एंड देन आई गिव इट टू द न्यू पीपल हु वॉन्ट द लोन. एंड जो मेरे ओरिजिनल, यहां पे ये देखो मेरा जो ऑब्लाइजर्स है उससे जो भी पेमेंट आएगा उसके मैं रीपेमेंट ऑफ फंड्स कर दूंगा. एंड क्रेडिट रेटिंग दिया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स को सो दैट द इन्वेस्टर्स आर सेफ. सो मैकेनाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन में क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स, ट्रांसफर टू एसपीवी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसेट्स, रिकोर्स टू ओरिजिनेटर, सेल ऑफ सिक्योरिटाइज पेपर्स, रीपेमेंट ऑफ फंड्स भी हो जाता है, एंड क्रेडिट रेटिंग टू इंस्ट्रूमेंट्स रहता है. सो एवरीबॉडी इज सेफ एंड सिक्योर. प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है? स्टैम्प ड्यूटी डबल डबल बार भरने को आ सकता है. टैक्सेशन सिस्टम इंडिया में डेवलप नहीं है. अकाउंटिंग इंडिया में डेवलप नहीं है. स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस का. डेट मार्केट इंडिया में इतना डेवलप नहीं है. एंड इनइफेक्टिव फोरक्लोजर लॉज, विच इज के भाई जल्दी अगर किसी को पेमेंट करना है तो इस सिचुएशन में क्या होगा. तो ये सिचुएशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है. अगेन आप लोगों के पास पीडीएफ है, आप लोग भी फटाफट इसको ओपन करके गो थ्रू करते जाना सो दैट सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में सब चीजें सेट होती जा रही है. फिर बाद में आ जाते हैं सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट. इसके ऊपर तो मतलब एमसीक्यू एक्सपेक्टेड है फुल कोर्स फुल ऑन. सबसे पहला है पे थ्रू सर्टिफिकेट, फिर है पे थ्रू सिक्योरिटी, एंड देन स्ट्रिप सिक्योरिटीज. पास थ्रू सर्टिफिकेट जो है उसमें जो भी पैसा है वो प्रोपोर्शनेटली सीधा का सीधा इन्वेस्टर को जाता है. तो जो मेरा ऑब्लाइजर है वो पेमेंट कर देगा ओरिजिनेटर को, ओरिजिनेटर प्रोपोर्शनेटली वो सारा पैसा दे देगा जो इन्वेस्टर्स है. बट पे थ्रू सिक्योरिटी में ऐसा नहीं होगा. तो पास थ्रू सर्टिफिकेट में पैसा आया अब्लाइजर के पास से, ओरिजिनेटर उसको पूरा का पूरा इन्वेस्टर को या एसपीवी को ट्रांसफर कर देगा. एसपीवी इन रिटर्न विल गिव इट टू द इन्वेस्टर्स. बट पे थ्रू सिक्योरिटी में ऐसा नहीं होता है. द ऑब्लाइजर गिव्स द मनी टू द ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर को जितना आगे एसपीवी को वो पूरा पैसा दे देगा. एसपीवी जितना ड्यू हुआ है उतना ही वो इन्वेस्टर्स को देगा. बाकी का जो सरप्लस अमाउंट है इट विल कीप विद इटसेल्फ एंड इन्वेस्ट इन बेटर सिक्योरिटीज. सरप्लस इज इन्वेस्टेड फॉर शॉर्ट टर्म. स्ट्रिप्ट सिक्योरिटीज में दो होता है, एक होता है इंटरेस्ट ओनली, एक होता है प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज. जहां पे इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज पे इन्वेस्ट किया अगर इन्वेस्टर ने तो उसको खाली इंटरेस्ट मिलेगा. प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज में दे आर वेटिंग फॉर द एंड पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस सम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा मनी. सो इफ आईटीएम इंक्रीजेस तो बोरोवर पोस्टपोन रीपेमेंट तो इन केस ऑफ इंटरेस्ट ओनली, एंड ये प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज में होता है. सो मेन आपको ध्यान में क्या रखना है, यहां पे फोकस इंटरेस्ट के ऊपर है एंड यहां पे प्रिंसिपल के ऊपर. सो स्ट्रिप्ट सिक्योरिटीज में दो होता है, इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज एंड प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज. एमसीक्यू के लिए आ सकते हैं, ध्यान में रखना. प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट ओरिजिनेटर के लिए बेस्ड ऑन हिज आउटफ्लो. सो जो ओरिजिनेटर है व्हिच इज द रियल बैंक, तो वो देखेगा कि भाई कितना उसका टोटल आउटफ्लो ड्यू है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर्स, उस हिसाब से वो प्राइसिंग रखेगा. एंड इन्वेस्टर बोलेगा भाई मेरे को कितना एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो मिलने वाला है, तो उस हिसाब से मैं इन्वेस्ट करूंगा. फिर देर आर रिस्क इन सिक्योरिटाइजेशन. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन के ऊपर एक थियोरी क्वेश्चन आ सकता है, नया भी है. सो रिस्क इन सिक्योरिटाइजेशन क्या है? एक है क्रेडिट रिस्क या काउंटर पार्टी रिस्क, अगर उसने डिफॉल्ट किया तो. लीगल रिस्क है कि भाई अगर लीगली कोई इशू हो गया तो. एंड देन देर आर मार्केट रिस्क. मार्केट रिस्क में तीन है. मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क के भाई अगर मैंने जिसको लोन दिया है वही जिसको से, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी फार्मर को लोन दिया है एंड फार्मर आर फेसिंग इश्यूज ऑन अकाउंट ऑफ सम बैड वेदर और एनीथिंग, देन इन दैट केस रीपेमेंट कैन बिकम अ प्रॉब्लम. सो मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क कि भाई कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री ही डाउन हो जाए तो, प्री पेमेंट अगर अचानक से बहुत सारा आ जाए एंड इंटरेस्ट रेट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाए तो भी एक रिस्क है. तो रिस्क इन सिक्योरिटाइजेशन तीन है, एक है काउंटर पार्टी रिस्क, एक है लीगल रिस्क और एक है मार्केट रिस्क. मार्केट रिस्क में तीन है, मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क, प्री पेमेंट रिस्क एंड इंटरेस्ट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क. फिर बाद में आ जाते हैं मीनिंग ऑफ ब्लॉकचेन के ऊपर. दिस इज टोटली न्यू कॉन्सेप्ट विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. तो ब्लॉकचेन बेसिकली क्रिप्टो में होता है, तो जो भी ब्लॉकचेन के थ्रू होता है दैट इज थ्रू एनक्रिप्टेड फॉर्मेट. एंड वे एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में एक मैसेज पास ऑन होता है, वो मैसेज को कुछ लोग ऑथोराइज करते हैं, उसके बाद ही वो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा. सो दैट्स हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स. इट इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द सिस्टम टू बी चेंज्ड, हैक्ड और मैनिपुलेटेड. ठीक है ना. सो एक बार वो सिस्टम में अगर रिकॉर्ड हो गया उसके बाद उसको आप चेंज कुछ नहीं कर सकते. ब्लॉकचेन बेसिकली इज अ डीएलटी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर दैट डुप्लीकेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट ट्रांजेक्शन अक्रॉस देयर नेटवर्क्स. सो अगर इसका को एक बोलते हैं ना पिक्टोग्राफिकली अगर देखना है तो समवन रिक्वेस्ट अ ट्रांजैक्शन, ब्लॉक इज क्रिएटेड, उसके बाद में इट इज सेंड टू एवरी नोड इन द नेटवर्क, वो लोग उसको वैलिडेट करते हैं ट्रांजैक्शन को,
इट इज द ब्लॉक इज एडेड टू द ब्लॉक चेन एंड फाइनली ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है. दिस इज हाउ द ब्लॉक चेन वर्क. एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज हो सकते हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट, ट्रेवल इंडस्ट्री, कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं. डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑलरेडी स्टार्टेड यूजिंग इट. फाइनेंशियल सर्विसेज में भी काफी हद तक यूज हो रहा है. रिस्क एसोसिएटेड विद ब्लॉक चेन, याद रखना ये रिस्क एसोसिएटेड विद सिक्योरिटाइजेशन था. दिस इज रिस्क एसोसिएटेड विद द ब्लॉक चेन. सो क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है भाई? टू मच डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी में कोई इशू होता है तो प्रॉब्लम हो सकता है. बीच में चाइना में लाइट इलेक्ट्रिसिटी का इशू हुआ था एंड द होल ब्लॉकचेन जो अपना टेक्नोलॉजी है वाज हैड गॉन फॉर अ टॉस. एब्सेंस ऑफ एनी सेंट्रल अथॉरिटी बिकॉज ये तो वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी रेगुलेट नहीं कर रहा है उसको. रिस्क रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन ओवरलोड, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से इशू आ सकता है. डिफरेंट मेंबर्स हैव डिफरेंट रिस्क एपेटाइट एंड टॉलरेंसेस व्हिच मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट व्हेन मॉनिटरिंग कंट्रोल्स आर डिजाइंड फॉर अ ब्लॉकचेन. सो अभी देखो ब्लॉकचेन को यूज करने के लिए अलग-अलग पीपल है एंड इफ दे आर नॉट एफिशिएंट इनफ इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम. देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टोकनाइजेशन, कन्वर्टिंग टेंजिबल इनटू इनटेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स इनटू ब्लॉकचेन टोकन्स. ध्यान रखना टोकनाइजेशन के ऊपर अगर कुछ थियरी आता है तो ये वर्ड लिख के आना है आपको, कन्वर्टिंग टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स इनटू ब्लॉकचेन टोकन्स. एंड इसका फायदा क्या क्या है? लिक्विडिटी मिल जाता है आपको इमीडिएटली, डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट, ट्रेडिंग कर सकते हो एंड इट गिव्स राइज़ टू न्यू अपॉर्चुनिटीज. एंड एक्चुअली ये रियल एस्टेट एंड आर्टवर्क के दुनिया में एक्चुअली यूज भी हो रहा है इन द करंट सिचुएशन. सो टोकनाइजेशन, कन्वर्टिंग टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स इनटू ब्लॉकचेन टोकन्स used in real estate and artwork. इसका benefit क्या क्या है? Liquidity, diversification, trading and new opportunities. With this, we complete this chapter securitization. Next chapter में ले रहा हूं startup finance. So yes, ये भी important है from the theory point of view. तो some of the ways to finance a innovative startup, ये तो अपने को पता ही है. personal financing से अपन लोग सबसे पहले तो खुद का पैसा लगाएंगे, market से थोड़ा पैसा ले लेंगे, family and friends दे देंगे. पीयर टू पीयर लैंडिंग, तो मतलब अभी से फॉर एग्जांपल आपके सेम एज के सेम लेवल वाले जो लोग हैं जो सिमिलर बिजनेसेस में, दे कैन गिव यू लैंडिंग. क्राउड फंडिंग इन जनरल, फेसबुक पे डाल दो मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, जो भी मुझे पैसा देगा उसको 1% इक्विटी. तो क्राउड के पास आपने फंडिंग ले लिया. माइक्रो लोन, छोटे छोटे लेवल पे बैंक्स लोन देते हैं. फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल, तो जिस डेटर के पास से जो पैसा लेना है वो फटाफट ऑन द स्पॉट अपन लोग ले लेंगे और एक फैक्टर रख देंगे, वो फैक्टर फिर बाकी का पैसा अपने डेटर्स के पास से ले लेगा. वेंडर फाइनेंसिंग, वेंडर को बोल देंगे भाई हमारे को थोड़ा एक्स्ट्रा क्रेडिट दे दे. परचेज ऑर्डर के बेसिस पे भी फाइनेंसिंग होता है. फॉर एग्जांपल रिलायंस ने मेरे को एक परचेज ऑर्डर दे दिया कि जा संकल 10 लाख का काम ले ले, तो वो परचेज ऑर्डर के बेसिस पे भी बैंक्स मेरे को कई बार फाइनेंसिंग दे सकते हैं. पिच प्रेजेंटेशन अगर मेरे को करना है तो मुझे प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा. सबसे पहले मेरे को मेरा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, टीम के बारे में बताना है मेरे को, मैंने क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ठानी है मेरे प्रोडक्ट के थ्रू, फिर उसका मैं मार्केटिंग ऐसे कर रहा हूं, बाकी मेरा इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कितना प्रॉपर वे में है, कॉम्पिटिटर्स कौन है मेरे, मेरा बिजनेस मॉडल क्या है और मैं फाइनेंसिंग कैसे करने वाला हूँ, ये सब चीजें मेरी पिच प्रेजेंटेशन में आती है. मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग अ स्टार्टअप, या तो मैं बूटस्ट्रैप मतलब खुद के पैसे से कर लो, तो बूटस्ट्रैप में भी तीन चीजें होती है, एक होता है ट्रेड क्रेडिट, दूसरा होता है फैक्टरिंग, तीसरा होता है लीजिंग. तो ट्रेड क्रेडिट जो मेरा फर्स्ट चीज है वो मेरे को बोलता है कि भाई देखो अगर मेरे को बूटस्ट्रैप खुद से पैसा निकालना है तो मेरे पास खुद से पैसा इतना नहीं है तो मैं मार्केट से क्रेडिट ले सकता हूँ. फैक्टरिंग जो मेरे अकाउंट रिसीवेबल है उसका मैं फैक्टरर से ऑन द स्पॉट पेमेंट ले सकता हूँ, फैक्टरर को एक कमीशन देके. और फिर बाद में लीजिंग है, जो मेरा प्लांट एंड मशीनरी है वो खरीदू नहीं और लीज रेंट पे ले लूं तो भी मेरे को कम पैसा देना पड़ेगा. तो ये बूटस्ट्रैपिंग के तीन मेथड है, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग और लीजिंग. क्या होगा पता है एग्जाम में वो लोग एक चौथा भी दे देंगे और बोल देंगे विच ऑफ द थ्री मेथड्स इज नॉट देयर इन बूटस्ट्रैपिंग. एमसीक्यू के लिए हो गया एक क्वेश्चन. एंजल इन्वेस्टर्स जो है नीचे मैंने उसको एक्सप्लेन किया और वेंचर कैपिटल फंड. सो एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? तो ये आपके बोलते हैं ना शुभ चिंतक. सो दीज आर द पीपल हु आर वेरी क्लोज टू यू एंड दे वांट टू हेल्प यू ग्रो. सो प्रोवाइड कैपिटल टू प्रॉमिसिंग अर्ली बिजनेस स्टेज एंटिटीज, इन्वेस्ट इन द एंटरप्रेन्योर्स बिकॉज दे नो यू, गिव कैपिटल इन एक्सचेंज फॉर ओनरशिप, या फिर वो तो आपको कन्वर्टेबल डेट्स दे देंगे या दे विल गिव यू सम इक्विटी. यूजुअली एग्जिट इज पॉसिबल ड्यूरिंग द IPO. So usually ये लोग जो एंजल इन्वेस्टर्स पैसा दे रहे, जैसे जो जोमैटो में जिसने भी एंजल इन्वेस्टमेंट किया था वो लोग सब लोग ने IPO के टाइम पे अपना एग्जिट ले लिया. नेक्स्ट इज द वेंचर कैपिटलिस्ट. सो ये वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होता है? ये भी आपके फंडिंग के लिए काम करता है, बट एंजल इन्वेस्टर इज समबडी यू नो. वेंचर कैपिटल आपको नहीं पता होता है, दे आर प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स. सो फाइनेंस न्यू एंड रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज, दे ऑल्सो परचेज इक्विटी सिक्योरिटीज, असिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड एड वैल्यू थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन. तो ये लोग अपने अपने सजेशन भी देते जाएंगे जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं. वो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, इनकी वजह से आपको कभी लैक ऑफ लिक्विडिटी नहीं होगा. दे आर हाई रिस्क टेकिंग पीपल बट दे वॉन्ट इक्विटी पार्टिसिपेशन. एडवांटेजेस क्या है ऑफ ब्रिंगिंग द वेंचर कैपिटलिस्ट? दैट इट इंजेक्ट
इंडेक्स लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस बिजनेस पार्टनर है, इससे आपको नेटवर्किंग मिलता है, प्रैक्टिकल एडवाइस दे विल गिव, दे विल हेल्प यू टू गेट योर कंपनी लिस्टेड इन द मार्केट थ्रू एन आईपीओ, एडिशनल राउंड्स ऑफ फंडिंग से दे कैन हेल्प एंड ऑल्सो फैसिलिटेट अ ट्रेड सेल. देन इज स्टेजेस ऑफ वीसी फंडिंग. इफ आई वॉज द पेपर सेटर आई विल आस्क अ क्वेश्चन ऑन स्टेजेस ऑफ वीसी फंडिंग. सो 5-6 स्टेजेस है टोटल. सबसे पहले सीड मनी, तो लो लेवल फाइनेंसिंग जो आप ही यूजुअली इंट्रोड्यूस करते हो. सेकेंड इज द स्टार्टअप स्टेज. स्टार्टअप स्टेज में अब आप फंडिंग के लिए यू कैन गो इन द मार्केट. फर्स्ट राउंड जो भी होता है वहां पे अर्ली सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको फंड चाहिए होता है. देन देयर इज सेकंड राउंड वर्किंग कैपिटल के लिए जब पैसा चाहिए. थर्ड राउंड इज आल्सो कॉल्ड एज मेजनीन फाइनेंसिंग, जब आपको एक्सपांशन के लिए कुछ पैसा चाहिए. एंड फाइनली ब्रिज फाइनेंसिंग इंटेंडेड टू फाइनेंस द गोइंग पब्लिक प्रोसेस. तो ये टोटल 5-6 लेवल है. सीड मनी, स्टार्टअप, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड. तो सीड मनी खुद का पैसा डालो. स्टार्टअप कर चाहिए तो आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाओ. फर्स्ट राउंड बेसिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको पैसा चाहिए वो, सेकंड राउंड वर्किंग कैपिटल के लिए, थर्ड राउंड विच इज मेजनीन फाइनेंसिंग और एक्सपेंशन के लिए, एंड फोर्थ राउंड आईपीओ के लिए अगर आप पैसा चाहिए. तो दीज आर द स्टेजेस. तो ध्यान रखना थर्ड राउंड इज मेजनीन, फोर्थ राउंड इज ब्रिज फाइनेंसिंग. ये वर्ड्स ध्यान में रखना बहुत जरूरी है एमसीक्यू के लिए स्पेशली. फिर बाद में आ जाता है वीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस. डील ओरिजिनेशन बहुत सिंपल है. डील ओरिजिनेट होता है, स्क्रीनिंग करेंगे वो लोग, जैसे शार्क टैंक में आप लोग ने देखा होगा. तो डील ओरिजिनेट हुआ तो वो लोग पूछते हैं क्या सेक्टर है, प्रोमोटर का क्या फोकस है, क्या स्टेज पे हो, टर्नओवर कितना है. फिर स्क्रीनिंग होता है, फिर उनका टीम ड्यू डिलीजेंस करता है कि सब नंबर जो है वो बराबर है कि नहीं. डील स्ट्रक्चरिंग होता है, पोस्ट इन्वेस्टमेंट जो भी पेमेंट करना है उन लोगों को करते हैं, एंड दे ऑल्सो हैव अ एग्जिट प्लान इन प्लेस. यूजुअली जो भी फंड्स है इंडिया में जो स्टार्टअप के लिए हेल्प करते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डोमेस्टिक फंड्स एंड ऑफशोर फंड्स. ऑफशोर फंड्स बेसिकली आर कॉल्ड एज इंटरनेशनल फंड्स. अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या हेल्प करती है स्टार्टअप के लिए, सो 10 इयर्स तक वो लोग बेनिफिट देते हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्स बेनिफिट. बट याद रखना योर टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 100 crores. यू शुड बी आइदर इनकॉर्पोरेटेड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और अ पार्टनरशिप कंपनी. एंटिटी शुड नॉट हैव बीन फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप, सो ओरिजिनल एंटिटी होना चाहिए. एंड यू शुड वर्क टुवर्ड्स इनोवेशन डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट सम न्यू टेक्नोलॉजी. फिर बाद में आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकॉर्न. आजकल अपने को पता है भाई जोमैटो है, पेटीएम है, दीज आर ऑल वॉट दे आर ऑल यूनिकॉर्न्स. प्राइवेटली हेल्ड कंपनी हैविंग अ वैल्यूएशन ऑफ $1 billion, मतलब 8,300 crore. दिस वॉज टर्न्ड बाय वेंचर कैपिटलिस्ट एलिन ली. क्या है इनका काम, इट हैज द फॉलोइंग फीचर्स. प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप होना चाहिए वो, वैल्यूएशन $1 billion, एम्फोसिस इज ऑन सक्सेस ऑफ सच स्टार्टअप क्योंकि आप प्राइवेट लिमिटेड से $1 billion कंपनी बन गए हो. एंड अदर फीचर्स आर न्यू आइडियाज, डिसरप्टिव इनोवेशन, कस्टमर फोकस एंड टेक्नोलॉजी. सक्सेशन प्लानिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. सो सक्सेशन प्लानिंग में की क्या जरूरत है, बिकॉज आपका रिस्क कम हो जाए, टैलेंट शुड बी देयर. सी पॉइंट इज दैट जिंदगी भर आप नहीं कर पाओगे तो आपको सक्सेशन चाहिए. सो आप अपना रिस्क कम कर रहे हो, टैलेंट जो भी है वो यूज हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा, एंड जो भी नया सक्सेसर है ही कैन गेट यूज टू द कल्चर. बिजनेस सक्सेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर आते हैं. सो कीप लीडरशिप पोजीशन कौन कौन है वो देख लो. कॉम्पिटेंसीज क्या क्या चाहिए उसको, यू शुड हैव इट. आइडेंटिफाई कॉम्पिटेंसीज ऑफ करंट वर्क फोर्स एज वेल एज द लीडर विच इज देयर. And bridge leader who will ensure that all of the systems are being taken care of. तो जो main company का owner था, अब the baton is being passed on to the bridge leader and he has to ensure that he is doing his work in a proper manner. फिर बाद में है challenges. In the context of startup, the following challenges are faced. पहला founder mindset should may go. So अभी देखो succession planning में जो main founder है वो तो ही इज लिविंग, सो माइट बी डिफरेंट देन कॉर्पोरेट माइंडसेट. तो जो नया है उसका माइंडसेट क्या है वो अपने को समझना पड़ेगा. प्री मैच्योर फॉर स्टार्टअप्स टू इंप्लीमेंट बिजनेस सक्सेशन. सो कई बार स्टार्टअप्स बिजनेस सक्सेशन करे दैट इज अज्यूम्ड एज प्री मैच्योर, एंड स्टार्टअप विदाउट अ फाउंडर कैन बिकम डिफिकल्ट. सो दीज आर द चैलेंजेस ऑफ सक्सेशन प्लानिंग. ये भी नया आया है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस अगेन वंस एंड एनी क्वेश्चंस यू मे एबल टू आंसर. नेक्स्ट इज चैप्टर वन. चलो चैप्टर वन के ऊपर आ जाओ फटाफट. सो ये देखो ये नया एडिशन है, एडवांस रोल ऑफ सीएफओ इन वैल्यू क्रिएशन. तो आज की तारीख का जो सीएफओ है ही इज यूज इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस लाइक रिस्क मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, मर्जर्स एक्विजिशन, ईएसजी. ये वर्ड ध्यान में रखना, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नमेंट. इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है. बिजनेस वैल्यूएशन चैप्टर में इसको और डिटेल में लिया है. नाउ रोल एक्सपांडेड पोस्ट पैंडेमिक एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. सो ध्यान रखना है, देखो एक ही चीज इसमें बहुत क्लियर है, मैक्सिमाइज वेल्थ बाय सिलेक्टिंग ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज. है बहुत सिंपल चैप्टर और 4-5 मार्क के लिए कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए मैं करवा रहा हूँ ऑन प्रायोरिटी. स्ट्रेटेजिक एलोकेशन ऑफ फंड्स होना चाहिए.
एंड रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी करके प्लीज अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करो, दैट इज द एंड इंटेंट ऑफ एनी कंपनी, लिंकिंग फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. सो वैल्यूए मैक्सिमाइजेशन टू शेयर होल्डर्स, जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है कॉस्ट ऑफ फंड शुड बी द लोएस्ट, फॉरेक्स एक्सपोजर भी चेक करना है, एंश्योर करना है दैट डिविडेंड रेगुलर बेसिस पे अपन लोग देते जाए, की डिसीजंस फॉलिंग विद इन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड डिसीजन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सब अपने चैप्टर्स है जो अपने को ध्यान में रखना है. स्ट्रेटजीज एट डिफरेंट हायरार्की लेवल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई कॉर्पोरेट लेवल की तीन स्ट्रेटजी होती है, सूटेबिलिटी, फिजिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, सॉरी सूटेबिलिटी, फिजिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी, चौथा आएगा दैट विल बिकम द ऑड मैन आउट इन एमसीक्यू. बिजनेस मतलब बिजनेस लेवल मतलब मिड लेवल स्ट्रेटजी, ऑपरेटिंग यूनिट्स प्लान विद प्रॉफिट इंटेंट. सो अभी यहाँ पे जो बिजनेस जो मिड लेवल के लोग हैं वो लोग how can they contribute in the profitability, and functional level strategies basically lower level people operating division and department jo supervisory level hai wo. So strategies at three different levels, corporate mein teen dhyan rakhna, suitability, feasibility and acceptability, then there is business unit level which is mid level and functional level which is lower level. Fir baad mein aa jata hai financial planning. Financial planning mein teen major components hai, ek hai financial resources, financial tools and financial goals. Ye just aap log ek bar go through karna hai. Outcome of financial planning, to mere ko iska kya impact chahiye, that my financial objectives, financial decision making and financial measures are taken care of. So confusion na ho jaye, teen mere components kya hai financial planning ke, financial resources, tools and goals, uska outcome kya milega mere ko, ki mera objectives, decision making and measures will be taken care of. Then there is SGR which is called as sustainable growth rate. Yahan pe mera pura focus API and that is maximum growth of a company without have to finance the growth. So मैंने एक बार bootstrapping से मेरा business चालू कर दिया, अब मेरे को खुद को मेरे ही जो sales है वो profit आ रहा है उसी को use करके मेरे को अपने business को grow करना है. Organization sustainability, so ensure that right distribution of resources है used in long term development, capital structure properly होना चाहिए, dividend ratio should be maintained at a proper level. Financially sustainable कैसे करना है, by ensuring more than one source of income, ways of generating income, competent staff को ensure करो रखो, good public image and आपका strategic decision making should be very very good. What makes an organization sustainable, again source of income अच्छा होना चाहिए, strategic vision, good public image, attract and manage competent staff, have good proper administrative financial structure and be able to demonstrate effectiveness to ensure that your resources are being utilized in a proper manner. And agar aapka good public image hua, to you will get community support and involvement for the work. Next chapter is security analysis and isme do tarah ke hote hain, ek hota hai fundamental aur dusra hota hai technical. Fundamental agar aapko analysis karna hai to teen char cheeze dhyan rakhni hai, dividend growth model, p multiple model jo valuation of security mein kiya hai, fir baad mein there is economic analysis, industry analysis and company analysis jo abhi apan log niche karne wale hai. Ye dekho economic analysis, industry analysis and company analysis. So company analysis is here. राइट तो ऐसे ध्यान में रह जाएगा. इकोनॉमिक एनालिसिस में आपको क्या देखना है, कौन से फैक्टर्स इकोनॉमिक एनालिसिस को फर्क पड़ता है, सो इन्फ्लेशन है, मंसून है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा है, नेशनल इनकम आपकी कंट्री का कैसा है. एंड टेक्निक इकोनॉमिक एनालिसिस का जो टेक्निक्स है, दे आर एंटिसिपेटरी सर्वेज, लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, इकोनॉमिक मॉडल, बिल्डिंग अप्रोच. खाली एक दो बार सुन लेना तो ध्यान में रह जाएगा ये वर्ड्स. इंडस्ट्री एनालिसिस, किसी भी इंडस्ट्री को कैसे एनालिस करते हैं, कि उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसा है, डिमांड सप्लाई का क्या सीन है, बैरियर्स टू एंट्री, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू एंटर, गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है. से फॉर एग्जांपल ई व्हीकल्स के लिए भी गवर्नमेंट इज वेरी वेरी ओपन एंड वेरी वेरी यू नो गिविंग. वैसा स्टेट ऑफ कॉम्पिटिशन, तो कितना कॉम्पिटेटिव आपका इंडस्ट्री, कॉस्ट कंडीशन कैसा है, टेक्निकल टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च के ऊपर कितना फोकस है, ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्री एनालिसिस. क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हो इसके लिए, रिग्रेशन एंड इनपुट आउटपुट एनालिसिस. यहाँ पे क्या टेक्निक्स है, इकोनॉमिक एनालिसिस में ध्यान रखना, क्या टेक्निक है, एंटीसिपेटरी सर्वेज, लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स एंड इकोनॉमिक बिल्डिंग अप्रोच. फिर कंपनी का एनालिसिस करना है, तो कोई भी कंपनी का एनालिसिस कैसे करोगे, वो तो आप लोग को पता ही है कि भाई नेटवर्थ है उसका, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड्स कैसा है, मार्केट साइज कितना है आपका, फाइनेंशियल एनालिसिस, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कितना आपको मिल रहा है, मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कितना आपका स्ट्रांग है. सो ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ योर कंपनी एनालिसिस. फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग टेक्निक्स यूज्ड इन कंपनी एनालिसिस. तो देखो तीनों का अपन लोग ने आइडिया ले लिया कि क्या क्या फैक्टर्स है, और तीनों का अपन लोग ने समझ लिया टेक्निक्स क्या क्या है. तो वो चीज एक बार ध्यान में रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे. तो यहाँ पे व्हाट आर द टेक्निक्स यूज्ड इन कंपनी एनालिसिस, कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस एंड डिसीजन ट्री एनालिसिस. ये तीन चीज है, कोरिलेशन रिग्रेशन, ट्रेंड एंड डिसीजन ट्री एनालिसिस फॉर कंपनी, इनपुट आउटपुट एंड रिग्रेशन एनालिसिस फॉर इंडस्ट्री, एंड
एंटीसिपेटरी सर्वेज, लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक बिल्डिंग अप्रोच फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। अब अपन लोग आ जाते हैं सेकंड एस्पेक्ट के ऊपर, विच इज टेक्निकल एनालिसिस। तीन प्रिंसिपल है इसके कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। बेसिकली मार्केट को सब पता है कब ऊपर जाना है कब नीचे जाना है, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। तो एक ट्रेंड आएगा कि भाई पूरा मार्केट ऊपर जा रहा है पूरा मार्केट नीचे जा रहा है वैसा, एंड हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। टेक्निकल एनालिसिस का पूरा बेसिस ही हिस्ट्री के ऊपर है कि भाई कि जो पहले हुआ है वो वापस होने का चांसेस है, सो यू कैन प्रिडिक्ट द मार्केट अकॉर्डिंगली। तीन थियोरी है इसका, डाउ थियोरी, इलेट वेव थियोरी एंड रैंडम वॉक थियोरी। अगर आप लोग नोट करोगे तो मैंने ये तीनों का तीनों यही पेज पे डाल दिया है। तो डाउ थियोरी भी आपका, इलेट वेव थियोरी भी है आपका यहाँ पे, एंड रैंडम वॉक थियोरी भी है आपका यहाँ पे। सो डाउ थियोरी में तीन चीज आपको फोकस करना है, एक है प्राइमरी मूवमेंट, दूसरा है सेकेंडरी मूवमेंट, एंड तीसरा है डेली फ्लक्चुएशन। सो प्राइमरी मूवमेंट आपको बताता है बेसिकली 12 मंथ्स टू 36 मंथ्स का क्या सीन है, सेकेंडरी मूवमेंट आपको बताता है 2 वीक्स टू 1 मंथ का क्या सीन है, एंड डेली फ्लक्चुएशन ऑब्वियसली आपको डे टू डे का बताते हैं। तो ध्यान रखना डाउ जोन्स में तीन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड डेली फ्लक्चुएशन। एलियट वेव में दो दो वेव होता है, एक इंपल्सिव एक होता है करेक्टिव। तो इंपल्सिव वेव सिमिलर वेव मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, एंड करेक्टिव वेव कि भाई अगर सपोज बुल मार्केट है मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, एंड देयर विल बी अ लिटिल करेक्शन, फिर ऊपर जाएगा, फिर लिटिल करेक्शन, फिर ऊपर जाएगा। सो दैट बेसिकली टेल्स यू ओवरऑल बुल मार्केट। सो ध्यान रखना एलिट वेव थियरी में दैट प्राइस मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ वेव्स बताता है, वो वेव्स आर क्रिएटेड बाय डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर्स, एंड उसमें दो है इंपल्सिव एंड करेक्टिव। फिर बाद में आता है रैंडम वॉक थियरी जो बोलता है मार्केट रैंडमली वर्क करता है, प्राइस ऑफ शेयर्स कैन नेवर बी प्रिडिक्टेड, दैट प्राइस ट्रेंड्स आर नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी अंडरलाइंग फैक्टर्स, दे रिप्रेजेंटेड अ स्टैटिस्टिकल एक्सप्रेशन ऑफ डेटा। तो ये पीरियोडिकल अप्स एंड डाउन्स होगा, नो कनेक्शन एस्टैब्लिश बिटवीन सक्सेसिव पीक्स एंड ड्रॉप। सो दिस इज अबाउट योर रैंडम वॉक थियरी। तो तीन थियरी अगर कोई पूछता है आपको टेक्निकल एनालिसिस का, डाउ थियरी, एलियट वेव थियरी एंड रैंडम, सॉरी रैंडम वॉक थियरी, चार्टिंग टेक्निक्स। अब ये सब बेसिकली टेक्निक्स है जिससे आप अपना वो जो आप लोग ने कई बार देखा होगा कि भाई बार डायग्राम होता है या फिर आप एनालिसिस कर सकते हो। सो लाइन चार्ट, बार चार्ट, जैपनीज चैंडल्स, जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट एंड पॉइंट एंड फिगर चार्ट यूज करते हैं। मार्केट इंडिकेटर्स क्या है, इफ आई वाज योर एग्जाम सेटर तो ये मार्केट इंडिकेटर्स के ऊपर मैं कुछ ना कुछ एमसीक्यू डाल देता। क्या क्या इंडिकेटर्स है, ब्रेथ इंडेक्स, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, कॉन्फिडेंस इंडेक्स, आरएसए एंड ऑड लॉट थियरी। सो ये मार्केट में बहुत ज्यादा ये टर्म्स यूज होता है, दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू इट इज इंपॉर्टेंट। क्या ब्रेथ इंडेक्स, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस कितना है, तो उससे आपको पता चलता है कि भाई अगर सिर्फ फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर शेयर में, रिलायंस के शेयर में बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रहा है, मतलब इट इज अ मार्केट इंडिकेटर के कुछ तो अच्छा है बुरा होने वाला है। कॉन्फिडेंस इंडेक्स बताता है कि मार्केट को ओवरऑल कितना कॉन्फिडेंस है पर्टिकुलर स्टॉक में। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बताता है कि भाई वेदर इट इज एबल टू ब्रीच अ पर्टिकुलर मार्क ऑफ शेयर्स, एंड ऑड लॉट थियरी। सो दीज आर द फाइव थिंग्स, ब्रेथ इंडेक्स, कॉन्फिडेंस, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, आर एस ए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड ऑर्डर थियरी। इंटरप्रेटिंग प्राइस पैटर्न, पैटर्न क्या क्या बन सकता है, राइजिंग प्राइस का एक बन सकता है डाउनवर्ड चैनल। सो एक होता है अपवर्ड चैनल, दूसरा होता है डाउनवर्ड चैनल। एक्सप्लेनेशन तो अभी मैं नहीं दे पाऊंगा ज्यादा, बट जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आप कैसे याद रख सकते हो, डाउनवर्ड चैनल, अपवर्ड चैनल। फिर देर इज वेज, देन देर इज हेड एंड शोल्डर्स एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। सो ये देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स भी होता है, देन ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, देन ट्राइंगुलर और कॉइल फॉर्मेशन भी बन सकता है, डबल टॉप फॉर्म, बेरिश प्राइस डिक्लाइन, एंड देन देर इज गैप। तो इसमें से तीन चार याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है तो वी शुड बी एबल टू मैनेज इट। अपवर्ड चैनल, डाउनवर्ड चैनल, हेड एंड शोल्डर्स, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, देन देर इज वेज, ट्राइंगुलर कॉइल फॉर्मेशन, इतना, और फ्लैग्स एंड पेनेंट्स कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द वेज। चलो और अब डिसीजन यूजिंग डेटा एनालिसिस, तो इसके ऊपर अपने को प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं मूविंग एवरेजेस एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर। मैंने थियोरी वाले मेरे सेशन में करवाया दोनों के ऊपर क्वेश्चंस, प्लीज बराबर से देख लेना। देन देयर इज फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा फोकस होता है कंट्री के जीडीपी, इन्फ्लेशन, जो फंडामेंटल्स है कंपनी के, सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट्स, ऑल ऑफ दैट। ये सब प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस बेस्ड ऑन पास्ट मार्केट डेटा क्या है, प्राइस मूवमेंट क्या है, वॉल्यूम क्या है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, ऑल ऑफ दैट। रूल प्राइस ऑफ शेयर डिस्काउंट्स एवरीथिंग, ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए एंड ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी यूज करना है तो अगर आपको फंडामेंटल यूज करना है, शॉर्ट टर्म में अगर प्रॉफिट कमाना है तो टेक्निकल एनालिसिस इज समथिंग दैट यू कैन रिलाई ऑन। एंड देन लास्ट इज एफिशिएंट मार्केट थियरी। सो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस बोलता है कि भाई तीन फॉर्म ऑफ मार्केट होता है, एक वीक फॉर्म जो बेसिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में होता है जहां पे सब इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, खाली पास्ट प्राइसेस एंड वॉल्यूम्स का इन्फॉर्मेशन है। फिर ए सेमी स्ट्रॉन्ग जो डेवलपिंग कंट्रीज में होता है विच इज लाइक इंडिया, जहां पे कि भाई पास्ट प्राइसेस और वॉल्यूम्स के साथ पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन भी है। एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी डेवलप्ड कंट्रीज में होता है जहां पे प्राइस इफेक्ट ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन, पब्लिक, प्राइवेट, एवरीथिंग, राइट।
एम्पिरिकल एविडेंस ऑन वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट थ्योरी को टेस्ट करना है, तो आपके पास तीन टेस्ट है एमसीक्यू के लिए आ सकता है क्वेश्चन, सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, रन टेस्ट, फिल्टर रूल्स टेस्ट। मैंने आरटीपी का एक क्वेश्चन है उसमें ये तीनों समझाया, तो ध्यान से एक बार वो सुन लेना अगर टाइम हो तो, सीरियल कोरिलेशन, रन टेस्ट एंड फिल्टर रूल टेस्ट। फिर बाद में चैलेंजेस क्या क्या एफिशिएंट मार्केट थ्योरी का, कि अगर इन्फॉर्मेशन इनएडिक्वेट है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, इरेशनल बिहेवियर है, मोनोपोलिस्टिक इन्फ्लुएंस है, देन दिस मे नॉट बी दैट यूजफुल। अब एफिशिएंट मार्केट यूज कहाँ पे होता है, जहां पे इन्फॉर्मेशन इज फ्रीली एंड इंस्टेंटली अवेलेबल, विच इज ओनली पॉसिबल इन स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी विच इज डेवलप्ड कंट्रीज। फिर कीन कॉम्पिटिशन होना चाहिए अमंग्स द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, एंड प्राइस चेंजेस रिस्पॉन्स शुड बी बेस्ड ऑन अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन विच नो बडी हैज, तो ही एफिशिएंट मार्केट थ्योरी एप्लीकेबल होता है। सो दिस इज अबाउट द चैप्टर सिक्योरिटी एनालिसिस, आई होप वी आर क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर अभी अपन लोग ले रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो देखो अगर ये अभी रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है ना, उसके बाद मेरे जो टिपिकल थ्योरी चैप्टर्स है वो तो कंप्लीट, बराबर है। चैप्टर वन फाइनेंशियल पॉलिसी वाला, सिक्योरिटाइजेशन वाला, स्टार्टअप वाला, ये सिक्योरिटी एनालिसिस वाला, और अभी मैं रिस्क मैनेजमेंट ले ही रहा हूं, सो आई थिंक दैट शुड डू द पार्ट। चलो आ जाओ, सो अपना एटलीस्ट टिपिकल थ्योरी वाला हो गया, फिर बाद में नॉन थ्योरी वाले को भी एक बार फटाफट गो थ्रू करवा दूंगा, सो दैट यू आर सॉर्टेड एज फार एज थ्योरी इज कंसर्न। अपना यार 30 मार्क का अगर थ्योरी आता है अप्रोक्सीमेटली सब मिला के, तो यार उतना तो एक अश्योरिटी अपने को आ जाएगा, क्या बोलते हो पब्लिक, बराबर है, कमेंट कर लिया। चलो अब मेरे को बताओ, आ जाते हैं अपन लोग रिस्क के ऊपर। तो टाइप्स ऑफ रिस्क में देखो यहाँ पे है स्ट्रेटेजिक रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ अगर तो मेरे लिए एक रिस्क है, कोई नया कॉम्पिटिटर आया, कस्टमर डिमांड में कोई चेंज है, या रॉ मटेरियल का अगर कॉस्ट बढ़ गया, तो इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ माय स्ट्रेटेजिक रिस्क। कंप्लायंस मतलब आई हैव टू टेक केयर ऑफ द कंप्लायंस, अगर मैंने कंप्लायंस का टेक केयर नहीं किया देन आई कैन गेट फाइंस एंड पेनल्टीज, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ द कंप्लायंस रिस्क एज वेल, बिकॉज अदरवाइज देखो फाइंस एंड इंप्रिजनमेंट हो सकता है। देखो हाँ, फाइंस एंड इंप्रिजनमेंट हो सकता है। अब डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क में क्या क्या आता है, एक होता है ऑपरेशनल रिस्क, इसमें दो है फाइनेंशियल रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क। सो ऑपरेशनल रिस्क मेरा क्या है, बेसिकली डे टू डे प्रॉब्लम मैनेज करने का रिस्क। कई बार कोई एम्प्लॉय छोड़ के चले गया तो योर डे टू डे थिंग्स विल गेट अफेक्टेड, रिलेटेड टू पीपल प्रोसेस एंड इट्स कनेक्टेड रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क है अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन फाइनेंशियल कंडीशन सच एज प्राइस, एक्सचेंज रेट, क्रेडिट रेटिंग, इंटरेस्ट रेट, ऑल ऑफ दैट इज अ फाइनेंशियल रिस्क। एंड दूसरा होता है मेरा काउंटर पार्टी रिस्क, भाई अगर सामने वाले ने पैसा नहीं दिया तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क में अगेन ध्यान रखना एक्सचेंज रेट मार्केट में क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट में क्या चेंज है, All of that is a part of financial risk. फिर बाद में आ जाता है मेरा political risk. Political risk यानी अगर India और China में कोई politically issue हो गया, so और मेरा China में कोई अच्छा project है, so I can face a risk confiscation of overseas properties, कोई restriction हो गया conversion of currency पे, borrowings के ऊपर, all of that. Then there is interest rate risk. So अगर change in interest rate होता है monetary policy की वजह से और मैंने floating rate में किया है, fixed rate में कुछ changes है and vice versa, I can face that risk. फिक्स एंड फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट वाला। करेंसी रिस्क, तो फॉरेन एक्सचेंज का जो भी रिस्क है, रूपी अप्रिसिएशन, रूपी डेप्रिसिएशन, आई मीन इंपोर्टर एक्सपोर्टर, उस हिसाब से मेरे को वो रिस्क फेस करना पड़ता है। लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है, कई बार कंपनी के पास करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज का जो है वो मैनेज करने के लिए पैसा नहीं होता है, इट इज अनेबल टू जनरेट कैश, एंड उसकी वजह से कंपनी बंद भी हो सकता है। इवैल्यूएशन तीन तरह से हो सकता है, फ्रॉम स्टेक होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको देखना है कि भाई अगर आप स्टेक होल्डर हो तो आपको देखना है कि भाई डेट इक्विटी रेशियो बराबर है कि नहीं। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है कि भाई एक्सेसिव बोरिंग ना हो जाए कि जिसकी वजह से लिक्विडेशन हो जाए। एंड गवर्नमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के आप सब से आपको देखना है कि भाई डाउनग्रेडिंग ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए। वैल्यू एट रिस्क एक आपको एक मेजर है जो बताता है बेसिकली कि ओवरऑल जो आपका बिजनेस है उसमें कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है। तो मेजर ऑफ रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट एस्टिमेट हाउ मच एन इन्वेस्टमेंट माइट लूज। फीचर्स क्या क्या है इसमें कि भाई देखो जो भी आपका कॉन्फिडेंस टाइम पीरियड, कॉन्फिडेंस लेवल, लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हो रहा है यहाँ पे, सो कंपोनेंट ऑफ कैलकुलेशंस में आता है टाइम पीरियड, लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन स्टैटिस्टिकल मेथड क्या यूज हो रहा है, टाइम होराइजन क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी, रिस्क कंट्रोल एंड जेड स्कोर। सो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है वैल्यू एडेड रिस्क के टाइम पे। स्टैटिस्टिकल मेथड के बेसिस के ऊपर है, टाइम होराइजन कितना दे रहे हो आप लोग, प्रोबेबिलिटी क्या है रिस्क का, रिस्क को मैनेज कैसे कर रहे हो, और उसका जेड स्कोर क्या है, दैट इज द थिंग्स। ये देखो किस चीज के ऊपर फोकस करता है, वर्स्ट केस सिनेरियो एंड लॉस पर डे, कितना मैक्सिमम रिस्क है आपको। एप्लीकेशन कहां पे यूज होता है, ये फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए भाई उससे भी नीचे तो नहीं चलेगा आपको, लिमिट फिक्स हो जाता है कि भाई
वार के नीचे तो मेरे को लॉस नहीं होगा. एनेबल मैनेजमेंट टू डिसाइड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड अ टूल फॉर एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट. अब काउंटर पार्टी रिस्क में अपने को ध्यान रखना है क्या क्या रिस्क है अपना और उसको कैसे अपन लोग मैनेज कर सकते हैं, कि भाई अपने को क्या क्या ध्यान में रखना है, कि भाई अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है कि नहीं, उसके लिए ड्यू डिलीजेंस कर लो आप लोग प्रॉपरली, कि कंपनी जो पार्टी है वो बराबर है कि नहीं, रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के तरफ से कोई फॉरेन गवर्नमेंट का कोई इशू नहीं है जैसे मालदीव का हुआ था, लेट डाउन बाय थर्ड पार्टी, इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट नहीं हो रहा है. ध्यान रखने का कैसे ध्यान रखने का, ड्यू डिलीजेंस कर सकते हो, एक्सपोजर लिमिट्स देख लो, रैपिड एक्शन इन द इवेंट ऑफ एनी लाइकलीहुड ऑफ डिफॉल्ट, तो आप क्या लीगल इश्यूज लीगली कैसे उसको मैनेज कर सकते हो, ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ योर काउंटर पार्टी रिस्क. फिर बाद में आ जाता है पॉलिटिकल रिस्क. सो पॉलिटिकल रिस्क में एक अपने ने देखा कि भाई मालदीव इंडियन टूरिस्ट ने बैन कर दिया, इट वॉज अ बिग पॉलिटिकल रिस्क फॉर द मालदीव गवर्नमेंट. सो वैसा है तो कोई भी, अब इसमें पॉलिटिकल रिस्क में क्या क्या हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्जन ऑफ करेंसी, मालदीव में इंडिया का करेंसी अलाउड नहीं होगा, इंडिया में मालदीव का करेंसी अलाउड नहीं होगा, फॉरेन एसेट्स अगर वहां पे प्राइस फिक्सेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर इंडियंस में भी आया. फिर टेक्निक्स क्या क्या कर सकते हो आप लोकली, आप जाओ अंडमान निकोबार में जाओ, लोकल सोर्सेज के थ्रू करो, लोकल फाइनेंसिंग यू कैन डू, सो ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल रिस्क. फिर बाद में आ जाता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट चेंज हो गया, गवर्नमेंट चेंज हो गया उसकी वजह से, कोई गवर्नमेंट का एक्शन की वजह से डिमोनेटाइजेशन ऐसा कुछ हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेटा कैसा आया है, फॉरेन इन्वेस्टर्स कितना अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में चेंजेस क्या क्या रहा है, ये सब मेरा इंटरेस्ट रेट रिस्क है. एंड लास्ट इज करेंसी रिस्क, क्यों हो सकता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की वजह से, वी नो फॉरेक्स में की करेंसी रेट एंड इंटरेस्ट रेट इज वेरी मच लिंक, इंफ्लेशन रेट, परचेसिंग पावर पैरिटी एंड करेंसी इज लिंक, गवर्नमेंट का कोई एक्शन जिससे करेंसी के ऊपर प्रॉब्लम हो सकता है, नेचुरल कैलामिटीज जैसे अभी अगर आप लोग देखोगे तो पाकिस्तान एंड श्रीलंका आर फेसिंग बिग टाइम करेंसी रिस्क बिकॉज देयर गवर्नमेंट इज चेंजिंग ऑन अ वेरी वेरी रेगुलर बेसिस, वॉर अगर हुआ तो भी आपके करेंसी का रिस्क है, एंड चेंज ऑफ गवर्नमेंट बार बार होगा, दैट ऑल्सो इट इज नॉट गुड. सो विद दिस वी कंप्लीट माई रिस्क मैनेजमेंट, आप लोग एक बार वापस गो थ्रू कर लो सो दैट ऑल द थिंग्स आर सेट इन योर हेड. नेक्स्ट अपन लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, विच इज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, ये रहा ठीक है. तो इसमें जो थ्योरी आने का चांसेस है वो है कि भाई देखो, एक होता है इसमें टर्म स्ट्रक्चर थ्योरीज, तो तीन तरह के टर्म स्ट्रक्चर थ्योरीज है बेसिकली. अगेन मैं आप लोग को ये करवा रहा हूं अभी, जो मैं नॉन थ्योरी चैप्टर्स का थ्योरी करवा रहा हूं ना, उसका मेरा एक ही इंटेंशन है कि अगर उसमें से कुछ एमसीक्यू आ जाए सो यू शुड बी सिक्योर, बिकॉज वो समझाने को अगर मैं जाऊंगा सो ऑब्वियसली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम विच वी डोंट हैव. सो मेरे को एक अराउंड ट्राई कर रहा हूं हाफ एन आवर में जितने भी नॉन थ्योरी चैप्टर्स है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा दू फ्रॉम द एंगल ऑफ एमसीक्यूज, सो दैट एक दो बार आप लोग ने ये सुन लिया और कुछ आ गया एमसीक्यूज तो वी आर थ्रू. तो टर्म स्ट्रक्चर थ्योरीज है सिक्योरिटी वैल्यूएशन में, इसमें तीन थ्योरी है, एक एक्सपेक्टेशन थ्योरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ प्रेफर्ड हैबिटेट थ्योरी. फिर आता है मेरा रिवर्स रेट एंड रेपो रेट. सो रेपो रेट क्या होता है बेसिकली, रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को, एंड रिवर्स रेपो रेट होता है जहां पे कमर्शियल बैंक्स लोन देता है आरबीआई को. सो ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अ रेपो व्हेन द बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज गिविंग लोन लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स. ध्यान रखना अगेन एमसीक्यू इंपॉर्टेंट. सो कमर्शियल बैंक्स जब आरबीआई को कुछ लोन दे रहा है सो इट इज कॉल्ड एज, जो भी रेट पे दे रहा है इट इज कॉल्ड एज अ रिवर्स रेपो रेट. पर्पज ऑफ रेपो इज टू फुलफिल द डेफिशिएंसी ऑफ फंड्स. सो क्यों आरबीआई लोन देगा कमर्शियल बैंक को, बिकॉज कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत है, एंड वाइस वर्सा. तो पर्पज इज टू रिड्यूस एक्सेस लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी. सो कई बार बैंक से भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन ले लेता है. रेपो रेट इज कंपेरेटिवली हाई एंड रिवर्स रेपो रेट इज कंपेरेटिवली लो. सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जो अपने को ध्यान में रखना है. फिर बाद में आ जाता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वैल्यूअर्स. रोल ऑफ वैल्यूअर्स, तो वैल्यूअर कौन होता है, जो बेसिकली अगेन कोई भी एसेट है उसका वैल्यूएशन अगर अपने को करवाना है सो आप वैल्यूअर के पास जाओगे. जैसे होता है ना ज्वेलरी, अगर आपको वैल्यू करवानी है तो आप ज्वेलरी वैल्यूअर के पास जाओगे. सो वैसा. सो रोल ऑफ वैल्यूअर्स क्या है, कन्वर्जन ऑफ डेट सिक्योरिटी अगर करना है, मर्जर्स एक्विजिशन टेक ओवर्स में भी वैल्यूअर होता है जो बताता है कि भाई क्या प्राइस पे मर्जर एक्विजिशन होना चाहिए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग के लिए काम आता है, स्लम सेल में अगर आपको फाइंड आउट करना है क्या वैल्यू होना चाहिए उसका तो उसके लिए वैल्यूअर्स कैन बी यूज. सो ऑल ऑफ दैट इज द रोल ऑफ वैल्यूअर. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसका, कि इंफॉर्मेशन प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए,
इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस के साथ काम होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी उसको रखना है, इंडिपेंडेंट डिस्क्लोजर करना है कि भाई कोई उसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए वैल्यूएशन में, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, एटलीस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए वो यार, तो तुम वैल्यूअर बन सकते हो। कितना उसका रेम्यूनरेशन एंड कॉस्ट होगा, दिस शुड बी डिसाइडेड। व्हाट इज हिज ऑक्यूपेशन, करता क्या, एम्प्लॉयबिलिटी एंड रिस्ट्रिक्शंस क्या है, ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ द वैल्यूअर। सो रोल ऑफ वैल्यूअर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वैल्यूअर, न्यू इंट्रोडक्शन है, सो एक बार खाली इसको रीड कर लेना। रेपो रिवर्स रेपो हो गया। टर्म स्ट्रक्चर थियरी में ध्यान रखना तीन है, एक्सपेक्टेशन थियरी, लिक्विडिटी थियरी एंड प्रिफर्ड हैबिटेट थियरी। फिर बाद में आ जाता है अपना चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब ऐसे तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पूरा प्रैक्टिकल के ऊपर ही बेस्ड है, बट फिर भी इसका भी थियरी में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिया है। एक है ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो मेरे पास क्या ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले की कहीं कैपिटल ग्रोथ, लिक्विडिटी होना चाहिए मार्केट में, स्टेबल इनकम मार्केटेबल होना चाहिए एंड टैक्स बेनिफिट मेरे को मिलना चाहिए। एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजीज क्या क्या है, मेरे पास चार एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजीज है, एक इंटीग्रेटेड, दूसरा स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड इंश्योर्ड। अगेन वी आर नॉट गेटिंग इन टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट, बट चार याद रखना है, इंटीग्रेटेड, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड इंश्योर्ड। फिक्स्ड इनकम में मेरे पास दो स्ट्रेटेजी होता है, एक होता है पैसिव स्ट्रेटेजी एंड एक होता है एक्टिव स्ट्रेटेजी। पैसिव स्ट्रेटेजी बाय एंड होल्ड करके भूल जाओ, इंडेक्सेशन वो मार्केट इंडेक्स में जैसे निफ्टी में इन्वेस्ट कर दो तो टेंशन नहीं है, इम्यूनाइजेशन एंड मैचिंग कैश फ्लोज। एक्टिव स्ट्रेटेजी क्या है मेरा कि भाई फोरकास्ट करोगे आप लोग कि क्या इंटरेस्ट रेट होने वाला है, क्या रिटर्न होने वाला है, उस हिसाब से आप अपना स्ट्रेटेजी वर्कआउट करोगे। देन देयर इज बॉन्ड स्वॉप, इसमें चार टाइप होता है, प्योर यील्ड, सब्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल स्प्रेड एंड टैक्स स्वॉप, एंड लास्ट इज इंटरेस्ट रेट स्वॉप्स। एंड देन वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट अगर आपको करना है तो उसके चार तरीके हैं, सेल्स कॉम्प अप्रोच जिसको बोलते हैं, सेल्स कंपैरिजन, इनकम अप्रोच, कॉस्ट अप्रोच एंड डिस्काउंटेड आफ्टर टैक्स अप्रोच। सो अगेन गो थ्रू कर लो इसको, सो दैट इफ एनीथिंग कम्स फॉर एमसीक्यू आपके पास एक पीडीएफ अवेलेबल है, आप देख लिया आपको ध्यान में आ जाएगा एग्जाम टाइम पे, यू विल बी एबल टू मैनेज इट। सो एक्टिव स्ट्रेटेजी, फोरकास्टिंग, रिटर्न्स में बुलेट, बारबेल एंड लैडर स्ट्रेटेजी भी यूज होता है। बॉन्ड स्वॉप में प्योर यील्ड, सब्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल एंड टैक्स स्वॉप भी यूज होता है। चलो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, सिक्योरिटाइजेशन अपना हो चुका है ऑलरेडी, देन वी कम टू द म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में अब आ जाते हैं अपन लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के ऊपर। सो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ईटीएफ्स बहुत जगह पे यूज होता है, तो बेसिकली इसे फॉर एग्जांपल मेरे को निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो मैं डायरेक्टली निफ्टी में ना इन्वेस्ट करके मैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट कर दूंगा विच इज गोइंग टू ट्रैक द निफ्टी। तो मैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो निफ्टी को ट्रैक करेगा, तो निफ्टी का जो भी वेट्स है उसको ट्रैक करके मेरा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यूज करेगा। सो अभी अगर निफ्टी में जो भी चेंजेस हो रहा है, कोई नया शेयर ऐड हुआ या रिमूव हुआ, तो निफ्टी जो मेरा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है वो भी अपने हिसाब से उसको अक्यूमुलेट कर लेगा। सो ईटीएफ और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज अ मार्केटेबल सिक्योरिटी दैट ट्रैक्स एन इंडेक्स, इट कुड बी अ कमोडिटी, बॉन्ड और बास्केट ऑफ एसेट लाइक इंडेक्स फंड। सो जैसा मैंने बोला ट्रैक्स एन इंडेक्स, वैसे वो कमोडिटी को भी ट्रैक करता है, किसी भी चीज को कर सकता है। इन सिंपल फंड टर्म्स ईटीएफ्स आर फंड्स दैट ट्रैक इंडेक्सेस, कौन सा, निफ्टी, सेंसेक्स एटसेट्रा। व्हेन यू बाय शेयर्स और यूनिट्स ऑफ एन ईटीएफ यू आर बाइंग शेयर्स और यूनिट्स ऑफ अ पोर्टफोलियो दैट ट्रैक्स एंड यील्ड्स द रिटर्न ऑफ इट्स नेटिव इंडेक्स, मतलब निफ्टी इन आर केस। एज तीन टाइप्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या क्या है, इंडेक्स ईटीएफ जो मैंने आपको बोला कि निफ्टी है, फिर बाद में है कमोडिटी ईटीएफ, सो इन्वेस्ट इन कमोडिटीज, बॉन्ड ईटीएफ विच इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स एंड करेंसी ईटीएफ विच invest in foreign exchange. Terms associated with mutual funds. So what are the terms associated with mutual funds? दो है, एक है trail commission और एक है side pocketing. Trail commission basically is like a commission paid to the mutual fund agents. Investor pays to his advisor each year. The purpose is from the investor is to provide incentive to the advisor to review the holdings and give advice from time to time. So आपको एक proper guidance मिलते रहेगा. Side pocketing का मतलब क्या होता है कि कई बार म्यूचुअल फंड बहुत सारे जगह पे इन्वेस्ट करता है। नाउ देयर आर टू काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, एक होता है गुड इन्वेस्टमेंट, एक होता है बैड इन्वेस्टमेंट। मतलब से फॉर एग्जांपल 80% मैंने अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया है, पर 20% मैंने ऐसे जगह पे इन्वेस्ट किया है जहां पे मुझे इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो वो जो 80% मेरा अच्छा इन्वेस्टमेंट है उसको मैं अपने पास रखूंगा और 20% को साइड पॉकेट कर दूंगा, और मेरा जो एनएवी है वो 80% के ऊपर बेस रखूंगा। जब ये 20% अच्छा परफॉर्म करना लगेगा तब मैं इसको मेरे साथ ज्वाइन कर लूंगा। तो साइड पॉकेटिंग मतलब जो बुरा वाला फंड्स में मैंने इन्वेस्ट किया उसको साइड पे रख दूंगा, सो दैट ओवरऑल नैव मेरा अफेक्ट ना हो जाए। साइड पॉकेटिंग इन म्यूचुअल फंड लीड्स टू सेपरेशन ऑफ रिस्की एसेट्स, हेलो, सेपरेशन ऑफ रिस्की एसेट्स फ्रॉम अदर इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश होल्डिंग्स। द पर्पस इज टू मेक श्योर दैट मनी इन्वेस्टेड इन अ म्यूचुअल फंड इज लिंक्ड, this is linked to stressed assets gets locked until the fund recovers the money from the company or could avoid distress selling off liquid assets. Tracking error के आपने जो भी आपका जो निफ्टी है वो सबको आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो उसमें आपने जो थॉट प्रोसेस लगा है उससे कितना डिविएट हो रहा है, सो डाइवर्जेंस और डिविएशन फ्रॉम द बेंचमार्क इट इज फॉलोइंग। सो से मैंने अगर
इन्वेस्ट किया एचडीएफसी में, तो एचडीएफसी में मैंने ये सोच के इन्वेस्ट किया कि भाई एटलीस्ट निफ्टी जितना रिटर्न देगा, तो वो निफ्टी जितना रिटर्न दिया है या उससे कुछ वेरिएशन है, डिविएशन है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ट्रैकिंग एरर. सो डी माइनस डी बार टेल्स मी कि भाई कितना एरर है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. क्यू ट्रैकिंग एरर हो सकता है, कभी कभार ट्रांजेक्शन कॉस्ट, फंड एक्सपेंसिस ज्यादा लग गया, कैश होल्डिंग, उस सैम्पलिंग बायसनेस है, फीस चार्ज बाय एएमसी, इसकी वजह से देयर कुड बी अ डिफरेंस फ्रॉम द बेंचमार्क व्हाट वी हैड थॉट. तो से अभी मैंने ईटीएफ में इन्वेस्ट किया, अब ईटीएफ में निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो ईटीएफ निफ्टी का मेरा रिटर्न है 8%, बट ईटीएफ बट खाली निफ्टी का रिटर्न है 9%. समझे तुम लोग? तो निफ्टी का रिटर्न 9% आया, तो मेरा जो ईटीएफ है वो निफ्टी में ही तो इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका भी 9% आया, बट वो कई बार 8% होगा. क्यों? ट्रांजेक्शन कॉस्ट, फंड एक्सपेंसिस, फीस चार्ज बाय एएमसी, उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा ट्रैकिंग एरर आएगा, विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय डी माइनस डी बार अपॉन एन माइनस वन. द डी माइनस डी बार द होल स्क्वायर का समेशन अपॉन एन माइनस वन का रूट विल बी गिविंग यू ट्रैकिंग एरर. सो दैट्स अबाउट योर म्यूचुअल फंड. नेक्स्ट अपन लोग चैप्टर के ऊपर चल रहे हैं, विच इज योर डेरिवेटिव्स. नेक्स्ट इज डेरिवेटिव्स. सो डेरिवेटिव्स में कुछ चीजें ऐड हुई है, उसका अपन लोग मेन मेन पॉइंट्स है वो समझने की कोशिश कर लेते हैं. डेरिवेटिव्स होता क्या आप लोगों को पता होगा, ठीक है? इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जहां पे अंडरलाइंग एसेट के ऊपर आपका जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो डिराइव होता है, जैसे कॉल पुट ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स आर द मेन बेस्ट एग्जांपल. तो अब यहां पे पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमोडिटीज स्वॉप से स्टार्ट करता हूं. स्वॉप अगेन अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव ओनली, जहां पे से यू वॉन्ट अ सर्टेन थिंग एंड दी अदर पार्टी वॉन्ट्स दी अदर थिंग. तो एक इंटरेस्ट रेट वाला है, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट वाला है, एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट वाला है, बट द फ्लोटिंग वन वॉन्ट्स द फिक्स्ड एंड द फिक्स्ड वन वॉन्ट्स फ्लोटिंग. तो यू कैन एंटर इन टू अ स्वॉप. सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्वॉप ऑफ बेसिकली बोरोइंग एंड लेंडिंग. वैसे ही कमोडिटीज में भी एक स्वॉप हो सकता है. सो कमोडिटी स्वॉप्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय पेक्यूलर फैक्टर्स. क्या क्या के भाई लिक्विडिटी कितना है आपके कमोडिटी, आपका जो अंडरलाइंग है उसका, तो देयर कुड बी अ स्वॉप बिटवीन अ गोल्ड एंड अ सिल्वर. मेरे को लग रहा है सिल्वर बढ़ेगा कि सामने वाले को लग रहा है गोल्ड बढ़ेगा, पर मेरे पास गोल्ड है उसके पास सिल्वर है, वी कैन एंटर इनटू अ कमोडिटी स्वॉप एज वेल. सीजनैलिटी एंड इट्स अफेक्ट, ये खाली एक पॉइंट्स है आपको ध्यान में रखना है. वेरिएबिलिटी ऑफ फ्यूचर्स बिड एंड ऑफर स्प्रेड. सो कितना आपका फ्यूचर्स में प्राइसिंग चल रहा है गोल्ड का, सिल्वर का, कमोडिटीज जो भी है, ब्रोकरेज फीस कितना है, क्रेडिट रिस्क, कैपिटल कॉस्ट कितना है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कमोडिटी स्वॉप. जो मैंने तीन चार पॉइंट किया है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो लिख के रहना है. ब्लैक एंड स्कोल्स अपन सबको बताया कि ये बार आ सकता है, बिकॉज उन्होंने रियल ऑप्शंस और वो सब इंट्रोड्यूस किया है. सो अपने को अजम्पशंस पता होना चाहिए. ओल्ड सिलेबस में ब्लैक एंड स्कोल्स का अजम्पशंस कई बार वो लोग पूछते थे, इसके लिए वी हैव टू डू इट. सो यूरोपियन ऑप्शंस आर ओनली कंसिडर्ड इन ब्लैक एंड स्कोल्स. स्टॉक प्राइस मूवमेंट इज सिमिलर टू रैंडम वॉक. ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगता है. स्टॉक्स डू नॉट पे डिविडेंड इज देयर अजम्पशन. शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर नोन एंड कॉन्स्टेंट एंड रिटर्न्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो ये सब मिला के बनता है मेरा ब्लैक एंड स्कोल्स. फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन. सो वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे चेंज होता है? ऑप्शंस का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, वो किसके ऊपर और के ऊपर डिपेंडेंट है. सो प्राइस मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइन के ऊपर डिपेंडेंट है. कितना टाइम ऑफ एक्सपायरी है, जितना एक्सपायरी पास में आता है उतना प्रीमियम चेंज होते जाते हैं. एंड लास्ट इज वोलेटिलिटी इन स्टॉक प्राइसेस. तो जो भी स्टॉक प्राइसेस का चेंजेस है वो डायरेक्टली उसके उसका इंपैक्ट ऑप्शंस के ऊपर आता है. देन वी कैन सी समथिंग कॉल्ड एज क्रेडिट डेरिवेटिव्स. क्रेडिट डेरिवेटिव्स मतलब अगर आपने से फॉर एग्जांपल क्रेडिट पे लोन लिया है या दिया है, देन यू कैन हेज योर पोजिशन यूजिंग अ क्रेडिट डेरिवेटिव. क्रेडिट इमर्ज टू मिटिगेट द क्रेडिट रिस्क. ठीक है ना? तो आपने क्रेडिट या तो दिया हो सकता है या लिया हो सकता है, दोनों को मिटिगेट करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्रेडिट डेरिवेटिव मैकेनिज्म वेयर द रिस्क इज ट्रांसफर फ्रॉम रिस्क एवर्स इन्वेस्टर टू दोज हु विश टू अज्यूम द रिस्क. दो तरह के इसमें होते हैं, एक कोलराइज्ड कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन एंड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप. फटाफट उनको भी देख लेते हैं. इसमें भी दो पार्ट्स होता है. जो मेरा कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन है इसमें भी दो है, एक कैश फ्लो बेस्ड है और दूसरा सिंथेटिक है. सिंथेटिक में भी तीन है, कौन सा? अनफंडेड, फुली फंडेड एंड पार्शियली फंडेड. सो कैश CDOs, collateralized debt obligations backed by the cash market and securities which have a low risk weight. And synthetic का मतलब भी होता है that they are specifically structured and customized for you and the credit risk is transferred by the originator without actual transfer of assets. So इसमें तीन है, unfunded, fully funded and partially funded. एक ऊपर का point मेरे से miss हो गया, I'll just go through it again. And which is types of exotic options. अगेन एक्सप्लेनेशन आई नॉट गेट इन टू दैट, बट यू शुड नो द नेम्स. एटलीस्ट तीन से चार पता होना चाहिए, अगर क्वेश्चन आते हैं वी शुड नो. एक है चूजर ऑप्शन, कंपाउंड, बैरियर, बाइनरी, एशियन,
लुक बैक, स्प्रेड, बास्केट ऑप्शंस, बरमुडा, याद नहीं रहेगा, दो तीन बार गो थ्रू करो, दो तीन चार याद रह जाएगा, दैट शुड बी सफिशियंट. सो बरमुडा, बास्केट, कंपाउंड, बैरियर, स्प्रेड, चूजर, बाइनरी, लुक बैक एंड एशियन ऑप्शंस. एंड देन इसी में जो कोलैटराइज डेस्ट ऑब्लिगेशन है, एक है कैश, दूसरा है सिंथेटिक और तीसरा है आर्बिट्राज. कैश डेट आर्बिट्राज, कोलैटराइज्ड डेट ऑब्लिगेशन. सो यहां पे अगेन आर्बिट्राज के जैसे यू कैन एंटर इनटू अ बाय एंड अ सेल सीडीओ व्हिच कैन गिव यू अ डिफरेंशियल प्रॉफिट. रिस्क इन्वॉल्व्ड इन सीडीओ, डिफॉल्ट हो सकता है, तो आप किसी और को क्रेडिट दे रहे हो या क्रेडिट ले रहे हो, तो डिफॉल्ट रिस्क ऑलवेज रहेगा ही जब भी क्रेडिट दिया है. तो इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो गया, लिक्विडिटी का रिस्क, कभी प्री पेमेंट हो गया, री इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड फॉरन एक्सचेंज रिस्क, जो टिपिकल रिस्क होता है वो ही यहाँ पे आएगा. क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स. क्या, एक तो आपने किसी को लोन दिया है और वहां पे अगर डिफॉल्ट हुआ, देन इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, एक्सचेंज ऑफ लाइबिलिटी और रिस्क. सो इट इज लाइक एन इंश्योरेंस. सो सीडीएस इज लाइक एन इंश्योरेंस. मेन फीचर्स क्या है, स्टैंडर्डाइज नॉन स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर एंड सेलर के बीच में, जहां पे इट इज लाइक अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वेर इन यू आर ट्राइंग टू इंश्योर कि आपका जो भी क्रेडिट है, क्रेडिट डिफॉल्ट है, उसको आप स्वॉप के तरह एक्सचेंज कर सकते हो. वॉट आर द यूजेस, इट कैन बी यूज इन टिपिकल थ्री थिंग्स, हेजिंग, आर्बिट्राज एंड स्पेक्यूलेशन. तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप बेसिकली एक डेरिवेटिव की तरह, डेरिवेटिव में तीन लोग होते हैं, हेजर, आर्बिट्रेजर, स्पेक्युलेटर, न्यूट्रलाइज और रिड्यूस रिस्क टू विच सीडीएस इज एक्सपोज टू. सो अगर आपकी बड़ी कंपनी है एंड आपने कोई बहुत ज्यादा लोन लिया है दिया, यू कैन यूज द सीडीएस. आर्बिट्राज के तरह भी आप लोग यूज कर सकते हो. सो फिक्स कूपन कैन बी स्वॉप अगेंस्ट अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट स्कीम. एंड स्पेक्युलेशन भी कर सकते हो बाय एक्सप्लॉइटिंग योर, आप स्पेक्यूलेट कर सकते हो प्राइस चेंजेस एंड अकॉर्डिंगली यू कैन ऑल्सो यूज अ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप देयर. देन ये आ जाता है ऑप्शन ग्रीक्स, मेरा फेवरेट क्वेश्चन. अगेन इसमें से आने का चांसेस बहुत ज्यादा है. एक होता है डेल्टा रेशियो, गामा, वेगा, थीटा एंड रो. दीज आर द फाइव डेल्टा ऑप्शन ग्रीक्स विच कैन कम. डेल्टा बेसिकली बताता है कि भाई मेरा शेयर जो पैसे, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का शेयर है और रिलायंस का ही ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों में कितना चेंजेस आ रहा है. सो दैट इज व्हाट योर डेल्टा बेसिकली टेल्स यू, चेंज इन वैल्यू और प्रीमियम ऑफ ऑप्शन अपॉन चेंज इन शेयर प्राइस. सो दैट बेसिकली टेल्स यू द डेल्टा और हेज रेशियो. फिर बाद में आ जाता है वेगा, आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसके कंपैरिजन में मेरे ऑप्शन के वैल्यू में क्या चेंज हो रहा है. तो से रिलायंस का मेरा कॉल ऑप्शन है तो रिलायंस का ही मैं देखूंगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है और उसके वजह से इंपैक्ट मेरे ऑप्शन वैल्यू पे कितना चेंज आ रहा है. तो वेगा में ध्यान में रखना है वोलेटिलिटी. सो सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑप्शन ड्यू टू चेंज इन वोलेटिलिटी, चेंज इन ऑप्शन प्राइस बाय 1% रिजल्टिंग इन चेंज इन वोलेटिलिटी. फिर बाद में थीटा, टाइम की वजह से मेरा ऑप्शन वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है. तो जितना जितना टाइम चेंज होते जाएगा उतना उतना ऑप्शन वैल्यू चेंज होते जाएगा. डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट की वजह से मेरा ऑप्शन वैल्यू में क्या क्या चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज आर एच ओ रो. सो ध्यान रखना थीटा, टाइम, आर एच ओ रो, इंटरेस्ट रेट, वेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन या वोलेटिलिटी. डेल्टा इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेज रेशियो, चेंज इन प्रीमियम अपॉन चेंज इन शेयर प्राइस. लास्ट है डेल्टा का डेल्टा विच इज कॉल्ड एज गामा. तो डेल्टा में चेंज क्या है और उसकी वजह से मेरे प्राइस पे क्या चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज गामा. सो पांच ऑप्शन रीक्स क्या क्या है, डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, रो. रो इंटरेस्ट रेट, थीटा टी टाइम, वेगा स्टैंडर्ड डिविएशन या आप बोल सकते हो वोलेटिलिटी, गामा डेल्टा का डेल्टा, डेल्टा प्राइस ऑफ ऑप्शन प्रीमियम चेंज अपॉन प्राइस ऑफ स्टॉक मार्केट चेंज. समझियो, डन. नेक्स्ट वी हैव द फॉरेन बैंक अकाउंट. तो इसमें अपना जो टिपिकल होता है नोस्ट्रो वोस्ट्रो लोरो, ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है थियोरी का या एमसीक्यू का. नोस्ट्रो आर बैंक अकाउंट विद यू. सो एचडीएफसी मुंबई का बैंक अकाउंट अगर बैंक ऑफ जापान टोक्यो में है, देन इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज अ नोस्ट्रो अकाउंट. वोस्ट्रो अकाउंट अगर सिटी बैंक यूएसए न्यूयॉर्क का अकाउंट एसबीआई मुंबई में है, देन इट इज कॉल्ड एज अ वोस्ट्रो अकाउंट. एंड लोरो अगर देर इज अ थर्ड पार्टी अकाउंट ऑफ से सरस्वत बैंक विद एचडीएफसी बैंक फॉर अ यूएस डॉलर इन न्यूयॉर्क, देन इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज अ लोरो अकाउंट. सो आर अकाउंट विद यू, योर अकाउंट विद अस एंड देयर अकाउंट विद यू. देन देर इज एडीआर एंड जीडीआर. तो एडीआर जीडीआर बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी इंडियन कंपनी को, जैसे फॉर एग्जाम्पल अडानी को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपना शेयर्स लिस्ट करना है, इट विल हैव टू यूज द एडीआर रूट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रूट. तो अडानी अपना शेयर्स इंडिया के डिपॉजिटरी को देगा, वहां का जो इंडिया का जो डिपॉजिटरी है वो ओवरसीज डिपॉजिटरी को देगा, एंड दैट ओवरसीज डिपॉजिटरी विल लिस्ट इट इन देयर स्टॉक मार्केट सो दैट द लोकल इन्वेस्टर्स इन न्यूयॉर्क कैन परचेज इट फ्रॉम द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज. इसको बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिपोर्ट रिसिप्ट. वैसे ही होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट विच इज अदर देन अमेरिका, सेम प्रोसेस इज टू बी फॉलोड. सो एडीआर आर इशू टू रेज फंडिंग
फ्रॉम से यूएस, इंडियन कस्टोडियन ट्रांसफर्स इट सिक्योरिटीज टू डिपॉजिटरी इन यूएसए, यूएसए का जो डिपॉजिटरी है वो लिस्ट करता है शेयर्स को, एंड देन वहां के लोग एनवाईएससी से, नैसडैक से ट्रेड कर सकते हैं इन यूएस डॉलर, एनी अदर करेंसी, देन इट इज कॉल्ड एज जीडीआर। फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग एफसीसी के ऊपर, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। सबसे पहले कन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, आज बॉन्ड है कल इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फॉरेन करेंसी वाला कन्वर्टिबल बॉन्ड अगर अपन लोग ने इशू किया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आउटसाइड इंडिया कोई बॉन्ड इशू किया है विच इज कन्वर्टेबल इन नेचर, इट विल कॉल्ड एज अ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। सो सपोज इंफोसिस इशूज अ कन्वर्टेबल बॉन्ड इन यूएस डॉलर, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ एफसीसीबी। कन्वर्टेबल होता है तो मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी है, तो रेगुलर कूपन प्लस इंक्रीज इन वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन शेयर्स अकाउंट एज वेल। सो एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी टू कन्वर्ट, डाइल्यूशन ऑफ इक्विटी आप थोड़ा डिले कर सकते हो, इजी टू मार्केट बिकॉज दो दो फीचर्स है। डिसएडवांटेज फॉरेन एक्सचेंज में डिनोमिनेटेड है तो वो रिस्क तो रहेगा, एंड लो इंटरेस्ट रेट बिकॉज यूजुअली आउटसाइड इंडिया का इंटरेस्ट रेट कम रहता है। कॉन्सेप्ट ऑफ नेटिंग, इसके ऊपर एमटीपी में क्वेश्चन आया, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। सो नेटिंग का मतलब क्या होता है कि भाई आई ओव यू 500 रुपीज, यू ओव मी 200 रुपीज, तो अपन लोग क्या करेंगे 300 रुपए में नेट सेटलमेंट कर देंगे ताकि फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन कॉस्ट बच जाएगा। वैसे ये हुआ यूनिलैटरल, वैसे मल्टीलैटरल नेटिंग भी हो सकता है, तो 1 2 3 देर कैन बी मोर देन 2 टू 3 प्लेयर्स, सो दैट इज हाउ द सिस्टम वर्क। सो टू टाइप्स ऑफ नेटिंग सिस्टम, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल। अगर दो से ज्यादा लोग हुए तो इट बिकम्स मल्टीलैटरल। सो पी सेल्स टू क्यू, क्यू सेल्स टू आर, इंटरनली ये लोग नेट ऑफ कर सकते हैं। सेम वे एक्स सेल्स टू वाई, वाई सेल्स टू एक्स, सेल्स टू वाई, एक्स परचेजेस फ्रॉम वाई, दैट इज कॉल्ड एज बायलैटरल नेटिंग। जो भी वो लोग का डिफरेंशियल है ना, डायरेक्टली उसी में वो लोग ट्रेडिंग करेंगे। सो इंटरनली सेटिंग ऑफ रिसीवेबल्स एंड पेबल्स बिटवीन सब्सिडरीज इज कॉल्ड नेटिंग। इट इज यूज बाय एमएनसीज फॉर ऑप्टिमाइजिंग कैश फ्लो मूवमेंट्स। आई होप वी आर क्लियर। फिर बाद में आ जाते हैं स्वॉप। स्वॉप्स का मतलब बात होता है कि यू कैन एक्सचेंज वन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद द अदर, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज स्वॉप। स्वॉप्शन का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट प्लस ऑप्शन। तो आपने अगर किसी को इंटरेस्ट रेट का स्वॉप दिया है प्लस उसमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी है, मतलब इट इज टू बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ इट इज इन योर फेवर, बट ऑब्वियसली उसके लिए आपको कुछ प्रीमियम पे करना पड़ेगा। दो टाइप के स्वॉप्शन होते हैं, एक फिक्स रेट और दूसरा होता है आई थिंक फिक्स रेट पेयर, एंड दूसरा होता है फिक्स रेट रिसीवर। सो एक होता है फिक्स रेट पेयर, दूसरा होता है फिक्स रेट रिसीवर। इसका यूजेस एंड फीचर्स आ सकता है, सो एट द एक्सपायरी ये आ सकता है थ्योरी के लिए। सो एटलीस्ट मैं भी पढ़ा रहा हूं, उसके बाद तुम लोग भी एक बार पढ़ लेना। एट एक्सपायरी दे आर मार्क टू मार्केट एंड डिफरेंस इज सेटल्ड इन कैश। स्वॉप्शन प्रीमियम इज कॉल्ड एज बेसिस पॉइंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर करेक्ट एमसीक्यू। अच्छा बेसिस का वो याद रखना, मैंने तुम लोग को आई थिंक एमटीपी के टाइम पे बताया था दैट जो बेसिस होता है फॉरेन एक्सचेंज में, एक होता है बैकवर्ड एंडो, एक होता है कॉन्टैंगो। सो जो इंडिया है उसमें कॉन्टैंगो यूज होता है, बैकवर्डेशन होता है, तो ये दो वो बेसिस पॉइंट्स वाले ध्यान रखना, एमसीक्यू के लिए आ सकते हैं। अभी मैंने इसमें लिया नहीं है बट जस्ट मुझे याद आ गया। सो ऑप्शन पीरियड डिफाइन होता है, टाइम एक्सपायरी डेट सब चीजें डिफाइन होती है, प्रीमियम पे करना पड़ता है आपको, दैट इज कॉल्ड एज बेसिस पॉइंट्स। एंड दे एट द एक्सपायरी दे आर मार्क टू मार्केट एंड डिफरेंस इज सेटल्ड इन कैश। यूजेस क्या क्या है, स्पेक्यूलेशन के लिए यूज हो सकता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑन कॉलेबल पुटेबल बॉन्ड्स एंड यूजफुल टू बोरोवर्स टारगेटिंग एन एक्सेप्टेबल बोरोइंग रेट। डन। अब बिजनेस वैल्यूएशन में बहुत सारी चीजें ऐड हुई, विल नॉट गेट टू मच इनटू इट, बट स्टिल आपको एक बता दूं कि गोइंग कंसर्न एंड नॉन गोइंग कंसर्न होता है। नॉन गोइंग कंसर्न का जो वैल्यूएशन होता है दैट इज बेस्ड ऑन लिक्विडेशन वैल्यू जो भी है उसका, गोइंग कंसर्न का विल बी बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो भी अपन लोग पढ़ेंगे भाई, इट्स फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, गुडविल क्या है मार्केट में, कितना प्रीमियम वो चार्ज कर सकता है, ऑल ऑफ दैट। वैल्यूएशन ऑफ डिस्ट्रेस्ड कंपनी, सो डिस्ट्रेस्ड कंपनी का मतलब भी होता है दैट पोटेंशियल है कि ये अच्छा नहीं चल रहा है, फेल हो सकता है, सो दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन लिक्विडिटी बेस्ड थिंग्स। अब कैसा ये रीऑर्गेनाइज होने वाला है उसके ऊपर इसका वैल्यूएशन बेस्ड होता है, अगेन थियोरी है सो नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ना मॉडिफाइड डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन, फिलहाल के लिए आप अभी फॉर्मूला बता देता हूं, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो विल बी कैश फ्लो इंटू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस वो लोग एग्जाम में देंगे, उसके बेसिस पे आपको एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फाइंड करना है एंड गेट द आंसर। डीसीए वैल्यूएशन प्लस डिस्ट्रेस सेल, तो अगर ये दोनों एड हो जाता है तो एज यूजुअल जैसा अपन लोग ने देखा, डीसी ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी विद मल्टीप्लाई बाय वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस विच दे विल गिव प्लस डिस्ट्रेस सेल वैल्यू ऑफ इक्विटी। सो अगर आप लोग ने सेल किया है अपना इक्विटी शेयर होल्डिंग, आप सेल कर रहे हो तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, एंड जो आपका डिस्ट्रेस है उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके बेसिस पे यू विल हैव टू कैलकुलेट दिस फिगर। सो वैल्यू ऑफ इक्विटी, सॉरी हाँ, वैल्यू ऑफ इक्विटी विल बी डीसीए वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रेस। एग्जामिनर आपको ये सब देगा, आपको फॉर्मूला याद रखना है, प्लस डिस्ट्रेस सेल वैल्यू ऑफ इक्विटी। ओके, देन वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी स्टार्टअप्स में आता है, एक होता है अर्निंग बेस्ड अप्रोच। देखो ये सब आने का चांसेस कम है बिकॉज इज द फर्स्ट अटेम्प्ट,
तो चांसेस है कि वो लोग इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट इसमें नहीं करेंगे, थोड़ा इंस्टीट्यूट और एक दो अटेम्प्ट लेगा फिर करेगा, बट स्टिल इट इज बेटर कि एक बार अपन लोग गो थ्रू करके जाए। वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप्स में आता है एक अर्निंग कैश फ्लो अप्रोच, दूसरा एसेट अप्रोच, मार्केट बेस्ड अप्रोच, जैसा कि नाम है कि भाई अर्निंग के बेसिस पे होगा, एसेट्स कितना आपके उसके बेसिस पे होगा, और मार्केट में क्या वैल्यू है उसके बेसिस पे होगा। वैल्यू ड्राइवर्स क्या क्या है स्टार्टअप्स के लिए, भाई कैसे आप डिटरमाइन करोगे भाई कितना अच्छा स्टार्टअप चल रहा है, प्रोडक्ट कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, डिमांड सप्लाई, कॉम्पिटेटिवनेस कैसा है, ऑल ऑफ दैट। देन देयर इज ऑल्सो बर्कस अप्रोच, इतना काम का नहीं है, बेसिक वैल्यू, टेक्नोलॉजी, एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, प्रोडक्शन कॉन्सिक्वेंस, ये सब के ऊपर होता है बर्कस अप्रोच। कॉस्ट टू डुप्लीकेट अप्रोच, मतलब अगर सेम डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाना है उसको बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा, बस मैं उसका उतना वैल्यूएशन दे दूंगा। कंपेरेबल ट्रांजेक्शन, मतलब सेम इंडस्ट्री में कंपेरेबल क्या ट्रांजेक्शन हुआ है उसके बेसिस पे आपको वैल्यूएशन दे देंगे। फिर स्कोर कार्ड वैल्यूएशन अप्रोच, इन्होंने कुछ स्कोर कार्ड दिया है, उस स्कोर कार्ड के हिसाब से आपको वैल्यू करना है कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ द टीम कितना है, तो अगर अच्छा स्ट्रेंथ हुआ तो 30%, अदरवाइज 0%। प्रोडक्ट और सर्विस कितना अच्छा है, अच्छा हुआ 15%। मार्केटिंग सेल्स चैनल कितना अच्छा हुआ 10%। साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी कैसा है, अच्छा हुआ 25%। ऐसे कॉम्पिटेटिव कितना है आपका मार्केट, सो उसको 10%। सो ऐसे पांच चीजें आपको ध्यान रखनी है और उस बेसिस पे वैल्यू करना है। क्या क्या है ये पांच चीजें, स्ट्रेंथ ऑफ द टीम, प्रोडक्ट सर्विस, मार्केटिंग, साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी, कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट एंड नीड फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ये छह चीजें एक बार पढ़ लेना, अगर स्कोर कार्ड वैल्यूएशन अप्रोच आए तो ये छह चीज लिख देना है और उसके बेसिस पे आपको वैल्यूएशन करते जाना है। फर्स्ट शिकागो मेथड अपन लोग जो कैपिटल बजटिंग में करते हैं, वर्स्ट केस, नॉर्मल केस, बेस्ट केस, तीनों को कंबाइन करके यू टेक अ डिसीजन। वेंचर कैपिटल जो वो डिटरमाइन करेगा। वैल्यूएशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स is also done based on the infrastructure that it has, and then मेरा ये मेरे हिसाब से important है, impact of ESG। आज की तारीख में ESG बहुत ट्रेंड में है। What is that? Environment, social, governance। अगर आपका ये तीनों अच्छा है then you will get a good valuation। So environment, climate change, water, ये सब के ऊपर आप कितना ध्यान दे रहे हो, सोशली कितना अच्छा कर रहे हो, एंड गवर्नेंस के ऊपर कितना फोकस है। तो याद रखना एनवायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस के बेसिस पे ESG, the environment, फिर social कितना इंपैक्ट है, एंड गवर्नेंस कितना अच्छी तरह से आप लोग मैनेज कर रहे हो। पुअर गवर्नेंस हुआ तो आपका रेटिंग उतना कम हो जाएगा, एनवायरमेंट के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो रेटिंग उतना अच्छा हो जाएगा। फिर बाद में आ जाता है चैप्टर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। सो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मर्जर होता है, तो सेम कंपनीज जो सेम लेवल पे है वो मर्जर कर ले, तो वर्टिकल मर्जर आप आपके रॉ मटेरियल सप्लायर के साथ या आप जिसको फिनिश गुड सप्लाई कर रहे हो उसके साथ अगर आप मर्जर कर रहे हो वर्टिकल मर्जर। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर नॉट कनेक्टेड होते हैं, नॉन स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स वाले मर्जर। को जेनरिक मर्जर, सो प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, हम मार्केटिंग के लिए अगर आप कोई मर्जर कर रहे हो। रिवर्स मर्जर, सो व्हेन अ स्मॉल फर्म मर्जेस विद अ बिगर फर्म, एज इन व्हेन अ स्मॉल फर्म टेक्स ओवर द बिगर फर्म। फिर बाद में टेक ओवर के कुछ तरीके हैं, एक होता है स्ट्रीट स्वीप, सीधा आपके इतने सारे शेयर्स खरीद लेगा ना अडानी एनडीटीवी के सीधा आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा, यू हैव टू बाउ डाउन। फिर होता है बेयर हग, जब अक्वायरर टारगेट कंपनी को सीधा एक ओपन ऑफर बोलता है और बोर्ड ऑफ टारगेट कंपनी एक्सेप्ट्स द ऑफर, इट इज कॉल्ड एज बेयर हग। फिर बाद में होता है स्ट्रेटेजिक अलायंस, स्ट्रेटेजिकली अगर आपको लग रहा है दैट इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल, 1+1=11, देन यू कैन डू दिस। एंड देन ब्रांड पावर, ब्रांड अगर अच्छा है तो ब्रांड के बेसिस पे अगर टेक ओवर हो रहा है देन इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज अ ब्रांड टेक ओवर। डिफेंसिव टैक्टिक्स, आप ये टेक ओवर से बचने के लिए क्या कर सकते हो, सो यू कैन डू अ डाइवेस्टिचर, मतलब स्पिन ऑफ कर सकते हो वन ऑफ योर इंपॉर्टेंट बिजनेस कैटेगरी। क्राउन ज्वेल, जो आपका बेस्ट है उसको सेल ऑफ कर दो। सेलिंग ऑफ कंपनीज मोस्ट ल्यूक्रेटिव एसेट्स और बिजनेस। पॉइजन पिल, खुद ही आप ऐसा कुछ कर दो जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए, जैसे कई बार कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू कर देते हैं, तो अब अगर कोई अक्वायरर है और आपने कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू कर दिया तो क्या होगा पता है, अक्वायरर नहीं लेगा क्योंकि उसको पता है फ्यूचर में कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो लोग का जो शेयर होल्डिंग है वो डायल्यूट हो जाएगा। अक्वायरिंग कंपनी इटसेल्फ बिकम्स अ टारगेट when it is bidding for another company, so poison pill jo maine aapko bataya that's what it is, poison put bonds issued for cash in a higher price and creates a future cash debt, so main bahut zyada bond issue kar dunga future mein company ko pay karna padega, take over company fir will become on come on back foot। Knight, white knight and white square, to ye kya hota hai, aap aapke friend ko ek stake de dete ho और बोलते हो भाई टेक ओवर होने वाला है मेरा, तेरे पास मेरे मेजोरिटी स्टेक रहा, कुछ हुआ तो मैं तेरे पास से बाद में वापस से ले लूंगा। गोल्डन पैराशूट मैनेजमेंट ऑफ टारगेट कंपेंसेशन देमसेल्फ विद हेफ्टी एग्जिट पैकेजेस, तो अब उनको पता है टेक ओवर करने वाले हैं तो मैनेजमेंट खुद को ही 10 करोड़ 20 करोड़ ऐसे ही दे देता है, अब आज ले ले टेक ओवर कर ले, कुछ बचा ही नहीं, हम लोग ने तो सब पर्सनल लेवल पे ट्रांसफर कर लिया। सो दैट्स व्हाट इट इज। ग्रीन मेल, टारगेट कंपनी ऑफर्स द अक्वायरर अ हायर प्राइस, तो आपको एक अच्छा प्राइस दे देंगे। पैकमेंट डिफरेंस, अब रिवर्स, आपको जो अक्वायर करने को आप उसको बोलोगे मैं तेरे को टेक ओवर कर लूंगा, वेयर बाय टारगेट मेक्स द काउंटर ऑफर ऑफ बाइंग अ स्टेक इन द अक्वायरिंग कंपनी।
इंटेंशंस बिहाइंड दिस मर्जर, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डाइवर्सिफिकेशन है, टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट एंड फाइनेंशियल बेनिफिट, ऑल ऑफ दैट इज द इंटेंशन. क्या क्या फॉर्म्स है डाइवेस्टमेंट का? ऑलमोस्ट सिमिलर जो अपन लोग ने देखा, आप पार्शियल सेल ऑफ कर सकते हो, स्पिन ऑफ कर सकते हो, स्प्लिट अप कर सकते हो. सो कंपनीज है, से फॉर एग्जाम्पल अभी टाटा मोटर्स ने अपने दो डिवीजन को स्प्लिट अप कर दिया, एक उसका व्हीकल डिवीजन, एक कंज्यूमर व्हीकल डिवीजन, एक उसका कमर्शियल व्हीकल डिवीजन, कंज्यूमर व्हीकल डिवीजन. इक्विटी कार्व आउट, तो जब वन ऑफ इट्स सब्सिडियरी इज ग्रोइंग फास्टर एंड कैरिंग हायर वैल्यूएशन, तो आप वो जो अच्छा ग्रो हो रहा है उसको साइड पे ले लोगे, दैट इज कॉल्ड एज इक्विटी कार्व आउट. फिर होता है रिवर्स स्टॉक स्प्लिट. तो रिवर्स स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, यू एज अ कंपनी इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग योर शेयर्स, आप स्टॉक स्प्लिट को अक्वायर कर लेते हो. मतलब आज की तारीख में आपका एक शेयर है 5 रुपए का, से एक शेयर है 100 रुपए का फॉर एग्जाम्पल. तो पहले कंपनीज क्या करती थी, 100 रुपए का शेयर है तो वो 10 शेयर्स को 10-10 रुपए में डिवाइड कर देती. यहाँ पे उल्टा हो रहा है, 10-10 रुपए का शेयर है, इट विल अक्यूमुलेट एंड मेक 100 रुपीज का 1 शेयर. समझ रहे हो? तो रिवर्स स्टॉक स्प्लिट हो गया. तो 10 रुपए का एक शेयर है, अब अपन क्या कर देंगे, 10 शेयर को एक साथ मिला के 100 रुपए का एक शेयर कर देंगे, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट. रीजन क्या क्या उसका है, डीलिस्टिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज वजह. कई बार है ना, कुछ कुछ शेयर का वैल्यू 2 रुपया हो जाता है, तो सेबी उनको बोलता है तुम डिलीस्ट हो जाओ, 2 रुपए का क्या वैल्यू है, तो वो स्टॉक्स रिवर्स स्टॉक स्प्लिट कर देगा, 2 रुपए की जगह अक्यूमुलेट करके 10 रुपए का शेयर प्राइस कर देगा, सो दैट डीलिस्टिंग से बच सकता है. अवॉइडिंग रिमूवल फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडेक्स, वही अवॉइड द टैग ऑफ पेनी स्टॉक, 2 रुपए का अगर हटाना, वो अट्रैक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड म्यूचुअल फंड्स के भाई आओ आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो. सो रिवर्स स्टॉक इज अ प्रोसेस वेयर बाय कंपनी डिक्रीजेस द नंबर ऑफ शेयर्स बाय कंबाइनिंग करंट शेयर्स इनटू फ्यूअर नंबर ऑफ शेयर्स. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. एंड देन फिर बाद में स्टार्टअप फाइनेंस जो अपना ऑलरेडी हो चुका है, एंड एडवांस कैपिटल बजटिंग में कुछ थियरी नहीं है, इसका सब फॉर्मुलाज ही है, एंड आई थिंक फॉर्मुलाज आप लोग खुद से गो थ्रू कर सकते हो, वैसे मैंने ये रिवीजन वीडियो में करवा दिया है, सो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. बट ये बहुत अच्छा रहेगा आपके फॉर्मुला के रिवीजन के लिए, सो प्लीज गो थ्रू इट. प्लस मैंने टेलीग्राम पे प्योर फॉर्मुलाज के भी नोट्स डाले हुए, यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो. सो गाइज, मेरी तरफ से मैंने जो प्रॉमिस किया था दैट मैं आप लोगों को पूरा का पूरा थियरी 1 घंटे में करवाऊंगा, आई हैव फुलफिल्ड द प्रॉमिस. एटलीस्ट 2 या 3 बार इसको पढ़ लेना, लाइक जरूर करना, एंड अच्छा लग रहा है प्लीज कमेंट करना, सो दैट एक पॉजिटिविटी रहे, एंड आई वॉन्ट दैट पॉजिटिविटी इन द फॉर्म ऑफ यू राइटिंग येस आई विल स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन AFM. टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. और कुछ चाहिए तो प्लीज कमेंट में बता देना. टेक केयर. मैं ट्राई कर रहा हूँ कि top 3 questions जो मुझे लग रहे कल आ सकता है उसका कुछ बनाओ वीडियो. लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर, आई ट्राई. लेट्स सी आप लोग क्या बोलते हो उसके ऊपर देखते हैं. कीप स्माइलिंग. थैंक यू. बाय बाय. टेंशन नहीं लेना है, अच्छी तरह से पेपर को अटेम्प्ट करके आना है, एंड वील सिक्योर द बेस्ट मार्क्स. बाय बाय.